हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 25। ये चैप्टर बायोलॉजी का है जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 11वीं क्लास के हों, चाहे प्लस टू हों जिनके CBSE NCERT हो, ठीक है, चाहे वो UP बोर्ड को बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट और भी होगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाई जाएगी और जो है स्क्रीन पे दिखाई भी जाएगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको नोट्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो, तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन मे बी ऑफ वेरियस काइंड। द फर्स्ट इज द एनोलिज्म। एनोलिज्म इज देयर देयर दिस इज अ नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीशीज इन व्हिच वन स्पीशीज इज हार्म और रिस्ट्रक्ट देर अदर स्पीसीज विदाउट इट सेल बिगेन टू द एडवर्सिस टू इफेक्ट आर हार्म मेड बाय देर प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। ऑर्गेनिज्म दैट इज अ सिक्वेट इज अ एंटीबायोटिक्स एंड देर स्पीसीज दैट गेट अ इनहैबिटेड बाय देर एंटीबायोटिक्स टूगेदर फ्रॉम अ एग्जाम्पल ऑफ द एनोलिजम्स एंड फॉर एग्जाम्पल फॉर अ फंगस इज कॉल्ड टू द ब्रेड मोल्ड इज द पेंसिलियम इज अ प्रोड्यूस द पेंसिलियम ऑन द एंटीबायोटिक्स विच इज एनेबल टू द ग्रोथ ऑफ अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया द पेंसिलियम इज अ बेनिफिट apparently by the having to the greater ability of food when in their composition bacteria are removed. And second is the predation. In this type of interaction, predator is a capture, kill and eats on animals of other species. It is called the prey. There is a predator is a naturally benefit from this is a relationship. Well, the prey of hominid is a predator like a leopards, tiger, and cheetah use the speeds, teeth and claws there to the hunt and kill their prey. That is the most important area. And parasitism. The parasitism is this types of interactions. One species is a harmed and other beneficial. The parasitism is there is involved a small size organism and parasites live in or on the another living species is called their host from where the parasite get a nourishment of them shatter. That is the most important. And the parasite is a benefit and the host is a harmed. Many organisms like a bacteria, virus, parasite of plant and the animal plants like a devil plants, Custacomata and the mistolois is a Lorothermus R. The parasite that alive is a flowering plant and the tapeworms, roundworm, malaria parasite, maybe bacteria, fungi, virus and common parasite of human. The next parasite is here. A parasite of the ascaris is a lumbricoides, the infection mass of large round worm from a human infestation. And the parasite is a host relationship that is our show in this picture. The plant parasite double Custacomata and is a plant is a parasitic beads that obtain for the moisture and nourishment of attachment to greens living plant. And second is it shown in the diagram. A animal parasite is a ascaris roundworm is an internal parasite found in the human intestine. This will show the parasite is a human instance in our body. The next is a competition. There, this is the interaction between the two population in which the both species are harmed to some extent. The competition is occur when two populations or species. The both need to the vital resource that is a short supply. The vital resource is could be food, water, shelter, nestings, seeds, and matter of space.
and there are such as a competition can be a interspecific competition occurring between the individually of two different species occur in the habit, and interspecific competition occur between the individually of same species. The interspecific competitions is occur between number of the same species, and so it is very intense. And there is a communalism. So the communalism is the most important here. In this relationship, one of species a benefit will their other is a neither harm nor a benefit. And some species obtain for a benefit of the shelter or their transport from another species. For example, sucker fish, Demora, an oven attached to be a shark by means of the it's a sucker which is present on the top of its head. And this is a help to Romara get a protection of free ride as well as meals from to left over their shark meal. Their shark does not be however get any benefit nor it is a adversary. They fed by these assurations. Another example of commercialism is their relationship between to the tree and apothecary's plant. The apothecary is like on the surface of other plant like a fern, mosses and orchid. They use the surface of tree of support and for obtaining sunlight and the moisture. The tree get a benefit, no benefit from to the relationship, nor their hermit. There is the most important, the trees get is a no benefit and the no, there is a hermit. There is the most important things here. And the next is a mutualism. The mutualism is this is the close association between the two species in which the both the species are benefit. For example, she is an anemone. There is a cendrillon get attached to their cell of the hermit's crabs for the benefit of transport and obtain new foods. Well, there is an anemone is a provide to the camphules and the protection of mean to the straining of cell to be a hermit crab. There here show there is a mutualism. The mutualism in the two species, this is a close association between the two species in which the both the species benefit. For example, the sea anemones and cendrillons get attached to their cell of hermit crabs for the benefit of transport and obtaining of new foods. Well, their anemones is provided to the camphoroses and the protection by means of string cells to be hermit crab. They show in this diagram their hermit crabs. There is the most important figure here. However, the some example of the mutualism are such that is the interaction between species can no longer live without each other. They depend totally on each other for the survive. Such a close association are termed symbiosis. An example of such a close mutualistic association with there that of a termite, and there is a intestinally flagellate, and termite can be eat of foods but have no enzyme to digest it. However, their intestine is a content to contain the flagellate is the parasitic protozoa, and that have a necessary enzyme to be digest the cellulose of their wooden eaten by the termite and the convert into the sugar. The flagellate as there are some of this is a sugar for their oven metabolism, and when the enough to left for the as a termite, and both termite is a flagellate cannot be survived without each other. And another familiar example of symbiosis is the pollination of flower, where the flowering plant are cross pollinated and by the bee with the benefit by the getting nectar from two plant, and both is cannot be survived without the other. देखिए दोस्तों, इसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अभिजीता होती क्या है और उसका क्या कार्य प्रणाली होती है। कहते हैं यह दो स्पीशीज के बीच एक नकारात्मक ऋणात्मक सहचार्य होता है, यानी सहभागिता होता है। कहते हैं इसका नेगेटिव भी प्रभाव पड़ता है और पॉजिटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसमें एक जाति दूसरे जाति को हानि पहुँचाती है। यही संसार का नियम है, उस पर रोक लगाती है लेकिन उसमें अपने ऊपर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने देता है। कहते हैं ये जिंदगी का एक सबब है और ये इंसान में भी पाया जाता है कि लोग दूसरे पर प्रभाव तो डाल देते हैं लेकिन अपने पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने नहीं देते हैं। तो यही चीज़ें आगे भी काम आती है। कहते हैं अपने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने या अन्य स्पीशीज की मौजूदगी कारण नुकसान हो सकता है। कहते हैं प्रति जैविक का स्वरण करने वाले जीव और इसके लिए संबंधित होने वाले जीव दोनों मिलकर जो है अभिजीता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी एक को नुकसान होने वाला जीव और
बेनिफिट वाला जीव जो है दोनों मिलके अभिजीता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कवक को ही ले जिसमें बड़े फंफूदी या पेनिसिलियम्स कहा जाता है। यह कवक पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक उत्पन्न करती है जो कई प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि को संदिग्ध करता है यानी रोकती है। इसे इसका प्रत्यक्ष लाभ भी होता है और जो है जीवाणुओं के प्रतिस्पर्शता को हटा भी जाने के कारण पेनिसिलियम को अपने लिए अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध भी हो जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात रह गया, पेनिसिलिन का एग्जांपल लिया गया है कि पेनिसिल जो है एक एंटीबॉडी की तरह काम भी करता है और ये अपना जब जो उपयोग करता है वो उसको भोजन के लिए भी पर्याप्त होता है। यानी दोनों में जो है अभिजीता यानी दोनों का प्रतियुक्त लगा रहता है। दूसरी बात हमारे समक्ष आता है परभक्षण। देखिए परभक्षण इस प्रकार की पारंपरिक क्रियाओं में परभक्षी अपने से भिन्न जातियों के प्राणी जिसे शिकार कहा जाता है को पकड़ता है और मारता है और खाता है, क्योंकि ये तो परभक्षियों का काम होता है। इस संबंध में परभक्षी को सहज रूप से लाभ पहुंचता है जबकि शिकार को सदैव नुकसान ही होता है क्योंकि शिकार को अपना जान गंवाना पड़ता है। कहते तेंदुआ बाघ और चीता जैसे परभक्षी तेज गति दांत और जो है नखून पंजों का प्रयोग करके शिकार का आखेट करने के लिए करते हैं, उसे मार देते हैं। कहते हैं कुदरत ने उनको इसी प्रकार बनाया भी है, उनको आखेट करें और उनको जो है अपने तेज नखून से और तेज दांतों से जो है ख़त्म कर दें। तो ये तो उनका एक प्राकृतिक नेचर है। अगर यही बात हम देखें परजीविता के लिए तो परजीविता इस अनुक्रिया में एक जाति को हानि होती है और दूसरे जाति को लाभ होती है। कहते परजीविता छोटे आकार के जीवों या परजीवियों में होने वाली क्रियाएं होती है जो दूसरे जातियों के अंदर या उस पर जीवित रहते हैं। परजीविता जिसके अंदर या जिस पर रहते हैं उसे परपोषी कहा जाता है, जैसे कि परजीविता को अपना पोषण प्रायः आश्रय भी मिल जाता है। इसमें अमर बेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो आपको पता है कि पेड़ के ऊपर जो है पौधे के बनाए हुआ भोजन को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता है। इसमें पौधों को हानि होता है और जो अमरबेल होता है उसको पोषण प्राप्त होती है। यानी एक जाति को हानि हो रही होती है तो दूसरे जाति को इससे लाभ होता है। कहते हैं यहां पर जीती लाभांतरित होते हैं और परपोषी को हानि होता है। बहुत से जीव जैसे जीवाणु और विषाणु पौधे चित्र और आपको दिखाया भी गया है। जैसे आप को पता है कि अमरवेल जो है पादप यानी कटमकुटा जो होती है, ठीक है, और मिस्टोमा लेडेंथर परजीवी पादप जो पुष्पों के पादपों पर जीवन यापन करते हैं। इसमें फीता कुंभी, गोल कुंभी, मलेरिया परजीवी, अनेकों जीवाणु कवक और विषाणु मानव के परजीवी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं और दूसरे जीवों को नुकसान पहुँचाते हैं। सिंपल अगर आप देखो तो आपको पता है कि हमारे पेट में कीड़े जो होते हैं वो हमें नुकसान पहुँचाते हैं और हमारे न्यूट्रिशन को भी खाते हैं और हमें कमजोर भी करते हैं। दूसरी बात लिया जाए मलेरिया, मलेरिया परजीवी की, मलेरिया परजीवी हमसे खून भी पीते हैं और अपने बच्चे को हमारे अंदर इंसेक्ट भी कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमें मलेरिया हो जाता है। तो कहते हैं हमें नुकसान भी दे रहे होते हैं और वो अपना जो है मुनाफा करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन देखते हैं हमारे यहाँ पर चित्र से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाया गया है, एक जो चित्र है अमरबेल एक जारी पर जो है परजीवी पादप के रूप में वृद्धि करता हुआ दिखाया गया है जो कि पौधों के पत्तियों से अपने न्यूट्रिशन लेके जो है वृद्धि करता है। इसका जड़ कहीं भी अटैच नहीं होता, ये धरती से कभी भी अटैच नहीं रहता, ये पौधे के ऊपर जो पौधे भोजन बनाते हैं उसको खा के अपना जीवन यापन करता है और पौधों को नुकसान पहुँचाता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है। दूसरा आप देख सकते हो कि अमरबेल बिना पत्ते वाला पादप घास वृक्ष के पत्तों पर रहने वाला दिखाया गया है जो कि सिंपल दिखाया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो सकता है जिसे हम ग्रास्ट ट्री भी कहते हैं। उसके बाद आपके समक्ष ये कीट से तो आपको पहचान ही होगा कि ये कीट जो होता है एस्क्वेरियस लोमेकिडियस का असंक्रमण मानव ग्रहणी प्रांत वाले गोलकुम्मी है। ये जो है इंसानों के अंतरियों में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। तो ये कीड़े से तो आप भली बातें परिचित ही होगे। इसी वजह से बच्चों को जो होता है हर महीने हर छः महीने के बाद दवाई दी जाती है कि बच्चों में ये कीड़ा ना पनपे, क्योंकि ये कीड़े जो होते हैं बच्चों के खून को पीते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद है सपस्ता। देखिए प्रतियोगिता का अर्थ यही होता है कंपटीशन। कहते हैं ये दो समुदाय के बीच में अनुक्रियाएँ हैं जिसमें कुछ हद तक दोनों को हानि ही होती है। जब दो समुदाय स्पीसीज को किसी ऐसे अनिवार्य संसाधन की जरूरत होती है जो कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो उनके पाने के लिए दोनों के बीच हमेशा ही संघर्ष होता है। ठीक है, मान लीजिए एक वस्तु है लेकिन उसके पाने वाला दो है तो आप दोनों में संघर्ष तो होगा ही होगा, जो जीतेगा वो उसको प्राप्त करेगा। तो ये संघर्ष को हम प्रतियोगिता के नाम देते हैं। यह अनिवार्य जो है संसाधन खाद्य जल आश्रय विश्राम स्थल और जो संगम साथी या स्थान हो सकता है। ऐसी अवस्था को निम्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ बताए गए हैं।
पहला तो हमारा आता है अंतर जातीय प्रतियोगिता। देखिए यहाँ किसी एक आवास के भी दो विभिन्न जातियों के बीच होने वाले स्पष्टता होती है। यहाँ कहा जाता है कि अंतर जातीय प्रतियोगिता पर एक ही जाति के विशिष्ट के बीच होने वाले स्पष्टता होती है। इसमें एक ही जाति की होती है। मान लीजिए एक चूहा है और दो बिल्ली खाने वाला है, तो दोनों आपस में लड़ेगी और लड़ने की वजह से क्या होगा, चूहा भाग जाएगा। चाहे आपने एक बिल्ली की कहानी और बंदर की कहानी तो सुना ही होगा, उसमें एक रोटी के लिए दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही होती है तो बंदर आ जाता है और बंदर जो है सारा फायदा उठा के चला जाता है। तो यही बात आ जाती है कि यहाँ पर दो जो है अंतर जातियों में संघर्ष होती है तो तीसरा जो है फायदा उठा के जाता है। तो यही काफ़ी तीव्र या प्रचंड भी हो सकती है, यानी घातक भी सिद्ध हो सकती है। उसके बाद है सहभोजिता। देखिए सहभोजिता क्या है, सहभोजिता जो होती है दोस्तों इस प्रकार के जो है संबंध में एक जाति को तो लाभ मिलती है जबकि दूसरी जाति को लाभ और होता है और ना ही हानि होती है। यानी एक जाति को लाभ ही लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। कुछ जाति अन्य जाति के आश्रय परिवर्तन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का लाभ पड़ती है। उदाहरण के लिए हम चूचक मछली या रोमारा को ले जो कि अपने शीर्ष के शिखर पर मौजूद चूचकों के द्वारा प्रायः शाक नामक मछली से चिपक जाता है और इससे रोमारों के संरक्ष जो है मुक्त की सवारी के साथ साथ शार के भोजन से भी बचा हुआ भोजन भी मिल जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बताई गई है यहाँ पर इसके लिए, यानी यहाँ पर जो रोमारा है, रोमारा जो है एक बहुत ही विशेष प्रकार के फिश होती है जो कि क्या करती है, शार्क के शरीर में चिपक जाती है। अब शार्क के शरीर में चिपक के ही रहेगी तो शार्क से खाने से भी बच जाएगी और जो शार्क खाना खाएगा उससे जो मिला हुआ कुछ पदार्थ होगा वो भी उसको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें ना तो शार्क को हानि हुई ना उस मछली को हानि हुई, दोनों के दोनों अपना जीवन यापन कर लिए। तो इसे जो रोमारा ने एक बहुत अच्छा यह उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगर दूसरी ओर शार्क को इसे कोई लाभ नहीं मिलता है और न ही इस प्रकार का सचारे से शार्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो इसे सहभाजिता का दूसरा उदाहरण वृक्षों में अंतरपादपीय पौधे के बीच संबंध, यानी अधिपादप जो है अन्य पौधे जैसे फर्न मांस और शक्रेडो की सतह पर रहते हैं और विश्व की सतह पर जो है उपयोग अलंबन तथा सूर्य के प्रकाश और नमी प्राप्त करते हैं के लिए करते हैं। इस संबंध में वृक्ष को कोई लाभ तो नहीं मिलती है और न ही उसे कोई हानि पहुंचती है। तो ये तो है सहभाजिता। उसके पश्चात आता है सहोपकारिता। देखिए सहोपकारिता मतलब होता है किसी में उपकार करना, यानी मयोलॉजिज्म। यह दो जातियों के बीच का एक निकट घना सहचार्य होता है जिसमें दोनों को लाभ मिलती है। उदाहरण के लिए समुद्री अगर एनोमोना और एक एनोडेडिया प्राणी को ले तो ये साधु हेरमिट केकड़ों के कवच से चिपक कर परिवहन और अन्य खाद्य पदार्थ को लाभ उठाता है, जबकि समुद्री एनोफिलन साधु केकड़ा और स्मरमार जो है प्रदान करता है तथा ये दशकारी यानी डंक मारने वाली कोशिकाओं द्वारा संरक्षण भी रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है चित्र में। देखिए ये दोनों ही जो है एक दूसरे के लिए सदैव लाभान्वित करते हैं और दोनों को इससे लाभ पहुँचता है। इसमें जो है एनिमोना और जो नेडोरिया प्राणी जो दोनों के दोनों जो हैं बहुत काफ़ी चिपक के रहते हैं और अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं, इनसे दोनों को कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो इसी को हम सहपारिकारिता कहते हैं। सहपारिकारिता में और भी बात होती है कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फिर भी सहकारिता कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ अन्य क्रिया करने वाली जाति एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि जीवित रहने के लिए भी एक दूसरे पर ही पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। और इस प्रकार के निकट जो है सहकारिता सहचारे का एक उदाहरण भी है। कहते हैं दीमक और उनके आंतों में रहने वाले कशा भी प्राणी का दीमक लकड़ी खा जा सकती है, लेकिन लकड़ी को पचाने के लिए उनके पास कोई प्रक्रिया एंजाइम नहीं होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि दीमक जो होती है उसके पास कोई एंजाइम नहीं होता अपने जो है लकड़ को पचाने के लिए, परंतु उनकी आंतों में कुछ अक्षाभी प्रोसिस्टा जो प्राणी होते हैं जिसे दीमक द्वारा खाई गई लकड़ी को पचाने के लिए आवश्यक कवक होते हैं जो उसे सकड़ा में बदल देते हैं। कशाम्बी प्राणी इसमें से कुछ सकड़ा का उपयोग करते हैं अपाचय के लिए करते हैं और सकड़ा की पर्याप्त मात्रा दीमक के लिए छोड़ देते हैं, और दीमक जो है कशाम्बी दोनों ही को प्राणी एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो इसको हम सहजीवन का एक सुपचारी उदाहरण यहाँ पुष्पों के परागण में देखने को मिलता है। यहाँ पुष्प अगर आप देखोगे तो पादप में जो है मधुमक्खियाँ द्वारा परागणित होते हैं और जिन्हें पौधे को जो है मकरंद पाने का लाभ मिलता है, दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि मधुमक्खियाँ जो होती है फूलों में से परागकण चूसती है, लेकिन चूसती तो है उसको, देखिए नुकसान तो दे रही है लेकिन फायदा भी दे रही है। फायदा दे रही है कि उस अगर जो मधुमक्खियाँ के पैरों में जो परागण कण होंगे
या उसके पास लाया गया परागण कण होगा वो पौधों को मिलेगा और पौधा जो होगा फर्टिलाइज होगा और फल में कन्वर्ट होगा। तो दोनों को ये यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे उदाहरण जो है काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छा तो था दीमक का, जिसमें कसांबी नाम के जीव होता है उसके अंतरियों में, जो पचा देता है भोजन को और वो जो है उसको दीमक को भी लाभ मिलता है और कसांबी को भी लाभ मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोम्स। द बायोम्स व्हेन यू ट्रैवल टू अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द अ ट्रेन फ्रॉम वन पार्ट टू द कंट्री टू द अदर्स यू इंजॉय एंड वॉचिंग आउटसाइड योर ट्रेन पास थ्रू द थिक फॉरेस्ट ग्रास लैंड डिजर्ट क्रॉप्स लैंड एंड देयर सम टाइम इज अ माउंटेन इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ डिस्टेंस अ शो द ब्यूटिफुल एनकलोजोस्कोपी पैटर्न ऑल दिस पैटर्न आर बिकॉज ऑफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस रीजन्स एंड देयर प्लांट्स ग्रो इज रिमाइंडेड of physical, epigraphic, and geographical characteristics of a place. And these are the natural bodied biotic zone of the biosphere is called is a biome. The each biomes is characterized by uniform life from a vegetation such as a grass, desert, plant, and causes trees are their coniferous trees. A biomes is a There is the large ecosystem is the embryonics with the large landscape characteristics by a specific flora and fauna. The biomes is can be classified as the first is terrestrial. There is a terrestrial. There are the biomes found on the land as a tundra, forest, desert and grassland. There is an example of terrestrial forest here. And second is a aquatic. Aquatics are biome. These are biomes found in the water and this can be a fresh water such as pond, lake, rivers and the marine oceans and seas. There is a most important here too, terrestrial and aquatic. दोस्तों यहाँ पर हमारा बहुत ही important topic आया है biome. देखिए biomes क्या है, आपने ये साधारण तौर पर कहीं भी देख सकते हो। अगर आप ट्रेन में कभी यात्रा किया हो तो आप देखते हो कि ट्रेन कई इलाकों से गुजरती है, उसमें आपको हर टाइप के पेड़ पौधे, जंगल, डिजर्ट, ठीक है, मरुस्थल भूमि, चरगाहें भूमि, ठीक है, हर पहाड़ क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है बायोम के ही पार्ट हो सकते हैं। यह है, यदि आप दूर से पृथ्वी को देखते हो तो वह एक सुंदर जो है क्लाइस्ट्रोस्कोप यानी बहुत जो है मूर्तिदर्शी की तरह दिखाई देता है। अगर आप कहते हैं जहाज से अवलोकन करो पृथ्वी का, तो वो जो है बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य रिप्रेजेंट करेगा। चाहे आप चित्र भी देखते हो डिजिटल, तो उसमें आपको बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको नज़र आएगा। कहते हैं ऐसी खूबसूरत दृश्य का यह नमूना जो देखने को मिलता है, इसका कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को पाया जाना है। क्योंकि अगर आप ऊपर से देखोगे या बिल्कुल सपाट होगा तो उसकी सुंदरता तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जंगल, वृक्ष, ये सारे चीज़ें जो होती है ये बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। कहते हैं पादप वृद्धि किसी स्थान के भौतिक और जो है मृदा यानी मिट्टी को भौतिक अभिलक्षण पर आधारित होती है। देखिए कोई भी पादप कहीं भी ग्रोथ करता है तो वहाँ की मिट्टी जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी बात होती है भौगोलिक अभिलक्षण। कहते हैं ये जो है जैव मंडल में विस्तृत प्राकृतिक जैव क्षेत्र हैं जिन्हें हम जो है जीवोम कहते हैं या बायोम कहते हैं। जीवोम या बायोम कहा जाता है। प्रत्येक बायोम की पहचान वनस्पति के स्वरूप जैव रूप जैसे होते हैं, जैसे घास, मरुस्थलीय पादप, पनपते वृक्ष होते हैं। बायोम या जीवोम एक वृक्ष परितंत्र है जो एक विस्तृत स्थान घेरती है और विशेष जीव एक पादप जाति इसके प्रमुख के अभिलक्षण होते हैं। कहते हैं बायोम का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। बायोम जो होती है दो प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और यही दो पर जो प्रकार हैं उनको हम विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा एक जो होगा स्थलीय, जिसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ये बायोम भूमि पर पाए जाते हैं जैसे ट्रेंडा, वन मरुस्थल, घास के मैदान। और दूसरा जो होता है ये पारितन जल में पाए जाते हैं, जो अलवणीय जल, तालाब, झील और नदी में देखने को आपको मिलेगा। कहते हैं लवणीय जल जैसे समुद्र और उथले समुद्र भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में जो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, सबसे पहले हमारे समक्ष आता है टेरेस्ट्रियल बायोम्स। अब देखते हैं स्थलीय जीव
जो जीवोम है यानी टेरेस्ट्रियल बायोम्स है उसमें क्या अभिलक्षण दिखाया गया है। हियर इज अ वेरी इज अकाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स हियर। द फर्स्ट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। द फॉरेस्ट आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इज अ प्लांट फॉर्मेशन। डेंसिटी इज पैक विद द टॉल एंड बिग ट्री। फॉरेस्ट आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडेमिक ऑन द इज अ क्लाइमेटिक रीजन्स इन विच दे आर अ फाउंड। देर आर थ्री मेन फॉरेस्ट टाइप्स हियर। इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एज अ टेम्परेट डेजर्ट फॉरेस्ट एंड द बोरल नॉर्थ कन्फरेंस फॉरेस्ट। देर इज अ थ्री टाइप बट फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देर इज कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट। देर इज अ नेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर एंड दिस आर इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एवरी हाई रेनफॉल। देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। हियर इज अ वेरी हाई रेनफॉल हियर। सच अ फॉरेस्ट वेयर आर डिवॉल्विंग ओवर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थन ईस्टर्न हिमालय एंड स्कैटरिंग इन साउथ ईस्ट एशिया वेस्ट अफ्रीका एंड द नॉर्थन कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट द हैवी रेन हेयर। द मेन करेक्टरिस्टिक्स इज प्लांट हेयर। द टेम्परेचर एंड लाइट इज इंस्टेंस एंड द वेरी हाई एंड द रेनफॉल इज ग्रेटर दैन 200 सेंटीमीटर पर ईयर। देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट द हैवी रेन। द 200 सेंटीमीटर पर ईयर एंड द सोयल दिस रीजन इज अ रिच एंड द ह्यूमस। देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड देर आर द रेट ऑफ टर्न ओवर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज वेरी हाई लीडिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड द हाई हैव अ हाइएस्ट स्टैंडिंग क्रॉप एंड बायोमास हियर। And they also the vegetative include a potted evergreen trees of about 200 feet like bamboos, ferns, etc. The epiphytes and the bodily is vines, lianas are also is abundant and the many tree species show to buttress and strengthen them base and the leaves with the trip tips. That is the most important and this forest have a rich invertebra as vertebrate fauna and the snail as centipedes is a millipedes and the many insect species are common near the forest floor and the rascosporus is a flying frog. Aquatic reptiles is a calamansi and the many birds are common in this forest. The members of this forest is a short as monkey, ant, otter. Ant otter is the most important leaf bird, as a jungle cat, as a grand flying squirrel. There is the most important animal present in this area. दोस्तों देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उसको सदाबहार एवरग्रीन वन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ये ग्रीन फॉरेस्ट कई मायने में इंपॉर्टेंट है और कई जगहों पर ये अपना स्थान रखती है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट जो है बताया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में रेन होती होगी, इसलिए इसका नाम जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन जो है उत्कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, यानी नाम से इसको ही रिप्रेजेंट किया गया है। कहते हैं ये कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप भारत को दो भागों में डिवाइड करो तो आपको पता लगेगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या स्थित है। ऐसे सुविकसित वन भारत में जो है पश्चिम घाट और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर यह पूरी तरह से फैली हुई है, जो कि इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। अगर देखा जाए इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है तो ये जो होती है यहाँ पर मुख्य विशेषताओं में यही आती है, पहली बात कि ये अत्यधिक तापमान एवं प्रकाश तीव्रता रहती है। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक है अत्यधिक तापमान एवं प्रकाश तीव्रता रहती है। कहते हैं किसी भी फॉरेस्ट को ग्रोथ करने के लिए तापमान और प्रकाश की तीव्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात जो पौधों के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो है अत्यधिक वर्षा, यानी वर्षा अगर होती है तो पौधों को पनपने के लिए एक अच्छा कंडीशन मिल जाता है, जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। तीसरी बात रखता है कि इन क्षेत्रों की मृदा जो है ह्यूमस से परिपूर्ण है, यानी ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी है इसकी मृदा की, मिट्टी की, तो इसमें जो है फसल उत्पादन या पेड़ पौधे ग्रोथ करने के लिए काफ़ी मान्य होता है और एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रखता है।
अगर देखा जाए पोषक तत्व की अत्यधिक उपलब्धता के कारण ये उत्पादक अत्यधिक रहती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो पोषक तत्व की अत्यधिक उपलब्धता के कारण यह उत्पादकता की जो है मान बहुत काफ़ी बढ़ जाती है तथा जैव भार या खड़ी फसल की मात्रा सबसे अधिक यहाँ पर पाई जाती है। तो ये विशेषताओं में से है। आगे विशेषता ये है, कहते हैं अगर देखा जाए तो इन वनस्पति में 200 फीट लंबे सदाबहार वृक्ष जैसे बांस, फन, झाड़ियाँ आदि पाई जाती है। कहते हैं अधिपादर और कठलायता यानी विलेनाइस भी बहुलता में पाए जाते हैं। जो यहाँ पर बताया गया कठलाता है यानी लियानास भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। कहते हैं कुछ पादप जाति में तने का जो है वह प्रेमूल यानी बटरलेसेस जो है आधार फूला हुआ और लटकी हुई नुकीली पत्तियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि बहुत काफ़ी इसकी खासियत को दर्शाता है और अपने दुश्मन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। कहते हैं इन वनों में अकशेरुकी और कशेरुकी जीव जातियों का बहुल्य होता है और वन के आधार से घेंगे, सेंटीपीडस, मिलीपीड और अन्य कीट जातियाँ भी सामान्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है। कहते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो जाति पाई जाती है वो होता है रकोफोरस। रकोफोरस जो होती है उड़ने वाला मेढक होता है जो कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कहते हैं जातीय सुस्वरूप और गिरकीट और उनके पक्षी भी इन वनों में सामान्यतः पाए जाते हैं और इन वनों में स्तनधारी जंतुओं में जो होगा स्लॉथ जो होती है, बंदर, चीटीखोर, तेंदुए, जंगली बिल्ली और बड़ी गिलहरी पाई जाती है, जो कि इनकी काफ़ी विशेषता रहती है। कहते हैं कि इनको यहाँ पर पनपने के लिए और इनको जीवन जीने के लिए हर तरह की कंडीशन जो है इनको मिल जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके लिए हर एक कंडीशन उपलब्ध होता है। कारण क्या होता है कि ये अत्यधिक वर्षा वन है तो यहाँ पर जो है खाने पीने की कमी तो होगी नहीं। दूसरी बात होता है कि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है तो पेड़ पौधे जो है बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और इनको हर एक कंडीशन में भोज्य पदार्थ मिल जाते हैं, जिसके वजह से ये आदर्श क्षेत्र बन जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। द नेक्स्ट इज अ टेम्परेट डिसीडसस फॉरेस्ट। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट हियर एज अ डिसीडस फॉरेस्ट। द ट्री ऑफ डिसीडसस फॉरेस्ट इज अ सीड देयर आर लीव्स इन ऑटोमंस एंड द न्यू फॉलेज ग्रो इन द स्प्रिंग। देयर अकर मोस्टली इन द नॉर्थन वेस्ट सेंटर एंड द ईस्टर्न यूरोप। द ईस्टर्न इज अ नॉर्थन अमरीका, नॉर्थ चाइना, कोरिया एंड जापान। फॉर द ईस्टर्न रशिया एज अ ऑस्ट्रेलिया। देर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ टेम्परेट डिस्कशन फॉरेस्ट। देर इज अ प्रेजेंट इन द ऑल ओवर कंट्री। देर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड देर अ क्लाइमेट हेयर। देर इज अ फॉरेस्ट अक्कर इन द एरिया ऑफ मॉडरेट क्लाइमेटिंग कंडीशन सच एज अ एनुअल रेनफॉल इज अ 75 to 150 centimeter yearly and the is a winter last of 4 to 6 months. There is a most important year. The winter is the last of 4 to 6 months. Here is a present and temperature ranging between to the 10 celsius to 20 celsius is a important year. And soil is a brown and rich is a nutrient. That is the most important for the growing of tree. Their soil and browns and rich of nutrient. There is the most important for flora and fauna. The commonly found the tree in the ecosystem are oka, is a birch, and the healthy of chestnut, pitch and pine, and the cypress is an invertebrate fauna. Is a compress is a green oka, moth and bark beetles, green flies, aphid is a cephalus moth and the butterfly. There is the most important flora and fauna here, and the permanent is a grasser and the grass eating rodent, deer, bisons and rodent play a very important role in this forest. And they feed on the seeds, fruits and leaves of the trees and consumes is a much more food than to the large size of grassers. A commonly carnivorous is their temperate is a forest or wild cat. Is a wolf, foxes is a talent owl and sparrow, hawk and black bear is a raccoon and the circus is their omnivorous animal this in a forest. दोस्तों यहाँ पर जो है शीतोष्ण पनपती वन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं शीतोष्ण पनपती वन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ अपना स्थान रखता है। पनपती वनों में वृक्षों की पत्तियाँ जो होती है पतझड़ यानी ऑटोमंस में क्या होता है ऋतुओं में गिर जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है।
और कहते हैं नई पत्तियाँ बसंत ऋतु में आती है। बसंत ऋतु जो होता है यहाँ के लिए एक बहुत ही आदर्श ऋतु मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बसंत ऋतु में जो है हर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए अपना उचित आहार और पर्याप्त भोजन प्राप्त मिल जाता है। कहते हैं वन अधिकतम जो है उत्तर पश्चिमी केंद्रीय और पूर्वी यूरोप या उत्तर पूर्वी अमेरिका, अमेरिकी, चीन, कोरिया, जापान, सुदूर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक क्षेत्र में ये जो है पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है आदर्श रूप यहाँ पर प्रस्तुत होती है, क्योंकि शीतोष्ण प्राप्ति वन जो होती है इसके लिए हर एक कंडीशन जो है इसके फेवर में होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जलवायु ये वन मध्यस्थ जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे वार्षिक वर्षा जहाँ पर 75 से 150 सेंटीमीटर तक देखी जाती है, वहाँ पर ये वन जो है एक आदर्श रूपी होती है। कहते हैं शीतकाल यानी शीतकालीन जारा, जारा में जो होती है यहाँ पर 4 से 6 माह तक रहती है। देखिए जारा 6 से 4 माह तक रहती है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है। दूसरी बात है तापमान जो होता है यहाँ पर 10 सेल्सियस से 20 सेल्सियस के बीच में रहता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रखता है। ये टेम्परेचर जो है काफ़ी ठीक ठाक ही रहता है जीवों को अपना ग्रोथ करने के लिए। कहते हैं मृदा भूरी और पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट रहता है वो ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर वहाँ पर वन जीवन को जो है आगे बढ़ना है तो उनके लिए पोषण तत्व की मात्रा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण प्राप्ति वन में जो है उनको आदर्श जो है पोषक मृदाएँ मिल जाती है यानी मिट्टी प्राप्त हो जाती है, जिसके वजह से जो है यहाँ पर अच्छा जो है पेड़ पौधे बढ़ते हैं आगे। अगर देखा जाए यहाँ पर पादप जात यानी फ्लोरा और प्राणी जात यानी फ्लोरा, देखिए दोस्तों ये फ्लोरा फना जो होती है कभी कई इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ आता है। और यहाँ पर एक मिस्टेक भी है कि यहाँ पर फ्लोरा लिख रखा है, जो कि यहाँ फना आता है, फ्लोरा और फना होता है, पादप जो होता है फ्लोरा में आता है और प्राणी जात जो होता है फना में आता है। कहते हैं इस पारितंत्र में सामान्यतः ओका, वृक्ष, हीत और हिकोरी, वास, गुड और चेस्टनट, चीर, साइप्रस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष बेसिकली नाम आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन ये सारे वृक्ष जो हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ के जीव जंतुओं के लिए। कहते हैं अक्षरूपी जंतुओं में हाड़ा, ओका, सलाब, बीट, हरी जो है हरी मक्खियाँ, एडिफ स्प्लोराइडा, तितलियाँ पाई जाती हैं, जो कि एक जर्नल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पूर्णतः या घास पर निर्भर रहने वाले कृंतक प्राणी जैसे रेड एंट, हिरण, बाइसन और प्रमुख पशु पाए जाते हैं। इन वनों में कृत्रिम प्राणी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बीज, फल व पत्तियाँ खाते हैं और बड़े उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक खाद्य का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये जीव जंतु हैं ये सारे के जो खाद्य हैं उनको उचित मात्रा में उनको मिल जाती है, और कहते हैं इनके लिए आदर्श कहते हैं जगह स्थान यही होता है, यही हैबिटेट जो है आदर्शमय है, इसलिए सारे जीव जो है यहाँ पर निवास करना उचित मानते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो शीतोष्ण वनों में मांसाहारी पशुओं में जंगली बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, कछुप उल्लू और स्पेरा बाज और जो है आदि पाए जाते हैं, जो कि इनके लिए आदर्श भी पाया जाता है और सारे के लिए भोजन भी उपलब्ध रहता है। इन वनों में काला भालू भी देखने को मिला है और रैकून आदि सर्वहारी जंतु पाए जाते हैं। इज अ कॉन्फरेंस फॉरेस्ट आर नोन एज अ टाइगर और बोरियल्स फॉरेस्ट। देर आर कॉन्फरेंस फॉरेस्ट टू नेम अदर इज अ टाइगर एंड द बोरियल्स फॉरेस्ट। देर एक्सटेंड एज अ कंटिन्यूसली बैटल अक्रॉस अ नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ यूरेशिया। द बिलो देर एरेटिक्स टुंड्रा इज अ हिमालय। दिस आर डिस्ट्रीब्यूट अबव टू द 1700 to the 3000 meter altitude. There is the most important. There is the distribute above to the 1700 to a 3000 meter altitude. And this also occur at a high altitudes below to the alpine tundra and tree lines. There is the most important here. And there are climatic condition here. The climate is very cold. Means very cold here in Moto important. The long and the harsh winter is for more than 6 months. There is a 6 month is a very long and the harsh winter, and the mean to the annual temperature is a below to 0 Celsius. 0 Celsius is a very is a conditional critical, and the soil is a poor nutrient and acidic in the nature. There is a most important. There is soil is a very poor nutrient and there is acidic of the nature. And the flora and the fauna is a coniferous forest are characterized by the conifer is the gamosphere form
Gymnosperm is here, and there are a good evergreen dropped aristens and bodily. In a many species, the is a canopus is a concept. The common is a species of tree of this forest, Sporcus, the fir and pine tree. Their productivity is much less than to the other ecosystem. And there are very few animals in this forest. There is the herbivorous, our red squirrel, deer, goat, and the mole is a moose, etc. The carnivorous is a timber, as a wolf, lynx, and the wolverine, versus milk and the bear. Some common is a birds are crows, the bill thoraces is a warblers, is a flag catchers, and the ravens and the sparrow. That is the most important here. यहाँ पर दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शंखधारी वन. देखिए शंखधारी वन जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट रखता है. शंखधारी वनों को जो है ट्रंगा भी कहते हैं या बेरियल्स भी कहते हैं, बोरेल भी कहते हैं. यानी इसको दो नामों से जाना जा सकता है आगे, कि इसको ट्रंगा भी कहते हैं और बेरियल्स भी कहते हैं. ये बेरियल वन के नाम से भी जाना जाता है. ये एक नियमित बेल्ट के रूप में उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया तक फैली हुई है. कहते हैं अगर हिमालय में यह वन जो है 1700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं. यानी आप कह सकते हो कि 1700 से लेकर जो है 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है. यह वन जो है अल्पलाइंस टुंडा और वृक्षों के रेखा ट्री लाइंस के नीचे ऊंचे ढाल पर पाए जाते हैं. यानी ये स्लॉटिंग एरिया होती है वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है. अगर देखा जाए यहाँ पर जलवायु कंडीशन का, तो कहते हैं जलवायु बहुत ठंडी होती है. क्योंकि आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और ऊपर से 1700 से लेकर 3000 सेंटीमीटर ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो होगा ठंडा क्षेत्र ही पाया जाएगा. क्योंकि इतने ऊंचाई और इतना जो है हिमालय भी नाम आया है, तो हिमालय क्षेत्र जो जितने भी हैं वो ठंडा इलाका में से ही माना जाता है. कहते हैं यहाँ पर जलवायु बहुत ठंडी होती है, लेकिन 6 माह से अधिक लंबा एवं कठोर शीतकाल चलती है. यानी 6 महीने तक यहाँ पर जो है काफ़ी ठंड पड़ती है, जिसकी जो है तापमान की सेल्सियस अगर देखा जाए तो 0 सेल्सियस से भी कम होती है. तो आपको पता है कि 0 सेल्सियस पे जो होता है बर्फ जम जाता है, यानी पानी जम जाती है, और इससे भी नीचे चला जाता है, तो ये बहुत ही ये आप समझ सकते हो क्या ठंड पड़ती है. अगर देखा जाए इनकी मिट्टी की हालात, तो इसमें मिट्टी में जो पोषक तत्वों के काफ़ी अभाव होते हैं और उसकी प्राकृतिक अम्लीय होते हैं. यानी ये एसिडिक होती है मिट्टी, जहाँ पर बहुत से फसलों का होना संभव नहीं होता है. कुछ ही कार जो वृक्ष होते हैं वो आ जाते हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है. अगर देखा जाए यहाँ पर पादप जात और प्राणी जात कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर तो आपको पता ही है कि 0 सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वही जीव जंतु पनप सकते हैं, रह सकते हैं, जो इस कंडीशन के लिए होते हैं. कहते हैं शंखधारी वनों में जो है अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म शंखधारी वृक्ष पाए जाते हैं. यानी इसमें जो है जिम्नोस्पर्म सबसे अधिक पाया जाता है. कहते हैं ये सदाबहार शुष्क तारोदी और कष्टिक होते हैं. यानी ये सदाबहार होते हैं और शुष्क क्षेत्र में भी रहने के लिए जो है प्रेरित होते हैं. बहुत सी जातियों में जो है क्रियोटल्स यानी कैनकोपिस शकाकार होते हैं, और जो है इसमें सप्रूस देवदार चीर व वनों के सामान्य जाति पाए जाते हैं. इनकी उत्पादकता देखा जाए तो अन्य परिस्थितिक तंत्र यानी पहाड़ी तंत्रों से कम होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है. यहाँ पर इन वनों में बहुत कम जीव जंतु पाए जाते हैं. इसका कारण तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 6 महीने के जो है ठंड काफ़ी पड़ती है, जो 0 सेल्सियस से कम टेम्परेचर होती है. तो बहुत से जीव जंतु जो है यहाँ पर नहीं पाए जाते, यानी बहुत ही कम पाए जाते हैं. शाकाहारी प्राणियों में जो है लाल गिलहरी, हिरण, बकरी, खच्चर, बाड़ासिंगा पाए जाते हैं, जो कि जर्नली इंसानों के द्वारा ही पाले जाते हैं. ठीक है, मांसाहारी जंतु में भेड़िया पाया जाता है, लकड़बग्घे पाया जाता है, विजलक, मिक और भालू पाए जाते हैं. और इनको यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इनके खाले जो होती है मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से सर्वाइव कर सके. कहते हैं कुछ सामान्य पक्षी क्रॉस बिल और जो है थैसोज, बलवरसस, मकीमार और राविंस, गोरेया आदि भी इन वनों में सामान्य देखे जा सकती हैं. तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी कंडीशन जो है सही नहीं है, इसलिए बहुत से जीव जंतु जो है यहाँ पर अब्सेंट हैं. क्योंकि यहाँ पर जो है इसके लिए 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर वही रह सकते हैं जो उनके लिए बनाए गए हैं या उनमें सर्वाइव करने के लिए वो सक्षम है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है. नेक्स्ट इज अ ग्रासलैंड इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर. और डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन. द ग्रासलैंड्स आर डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस.
There is a name to the, it's called grassland, means dominated by the grasses. They occupy about 20% of the land on the earth's surface. And they occur in both tropical and temperate regions where environmental conditions are better than that of the desert, but rainfall is not to be enough to support the growth of tree. The grassland is representative of is a ecotone, means a zone in a between two ecosystems, and are a founded between two forests on the side of desert on the other. They are subjected to be greater variation of temperature, moisture, winds, and the high intensity of the sun. The grassland known as the various name of different part of the world. For example, they are called the prairies, steppes, savannas, and pampas. There is a most important for is a name is a called to different area, different name. There is a tropical grasslands is commonly is called is a savanna. The savanna is a Hindi name. There are tropical grasslands is a commonly called is a savanna. There occur in the eastern Africa and South America. Australia is Indian is a savanna from the complex ecosystem as there are content to the grasses with the groups of tree. There are soil grassland is a rich area fertility. There is the most important area. The savanna is a area is a soil grassland is a rich of fertility and the growth of many types of tree. The flora and the fauna here. The grassland are dominated plants with the scattering is a drought is a resistance are trees in the tropical grassland. There is the flora and the fauna. The trees are less than 10 meters the height and annual are is a much reduced to the grassland because there is a no shelter. The large herbivores on their biome, there is a bison and prohor in the North America and the wild horse as Ziga, Eurasia and the zebra and the antelope South Africa. The carnivores are quite small and the number of size. They are there is a coyotes, whales and the best go is a foxes and the ferrets. There is a name is a hawk and the lorca, sparrow, barrels, great Indian bustard and the peafowls. There is a common birds found in the grassland. The grassland is are very rich in the reptilian and insect fauna. यहाँ पर तो घास स्थल के बारे में हम चर्चा करेंगे. घास के मैदान या ग्रासलैंड, देखिए इसको घास स्थल या जो है घास का मैदान के भी कहते हैं. अगर देखा जाए सामान्यतः इसका जो है घास के मैदान में घास का जो है बहुमूल्य होती है और यह पृथ्वी की सतह के लगभग 20% भाग घेरे हुए हैं. ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ जो है पर्यावरणीय स्थिति मरुस्थल से अधिक अच्छी है, लेकिन पेड़ों की वृद्धि के लिए वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं है. देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर ग्रासलैंड की बात किया जाए तो ग्रासलैंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है वर्षा की मात्रा पे, क्योंकि वर्षा जहाँ पर होगी वहाँ ग्रास जरूर उगेगी. और कहते हैं ये दोनों जगह देखने को मिलता है, चाहे वो उष्णकटिबंधीय हो वन हो चाहे शीतोष्ण वन हो, ये दोनों जगह भी जो है आपको ये ग्रासलैंड मिल जाएगा. लेकिन मरुस्थल क्षेत्र अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ बरसात की जो मात्रा होती है नहीं होता है. लेकिन कहते हैं यहाँ पर घास के मैदान एक जो है इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का क्षेत्र माना जाता है. एक तरफ वन और दूसरी तरफ मरुस्थल के बीच पाए जाते हैं. यानी अगर देखा जाए तो एक तरफ जो वन होती है और दूसरी तरफ मरुस्थल के बीच पाए जाते हैं. इसमें जो है तापमान, आर्द्रता, वायु एवं सूर्य के प्रकाश की तीव्रता का परिवर्तन अधिक होती रहती है. यानी आप देखोगे तो यहाँ तापमान, आर्द्रता, वायु और सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बनी रहती है और ये अधिक परिवर्तन भी होती रहती है. कहते हैं घास के मैदान विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये घास के जो मैदान है जो इसको हम ग्रास लैंड कहते हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं. अगर उदाहरण आप देखोगे तो इसको ये जो है पेयोरी, स्टोपीस, सवाना और जो है पंपस नाम से भी जाना जाता है. तो ये तो है ग्रासलैंड के कोई भी नाम हो सकते हैं. कहते हैं अगर देखा जाए कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सामान्यतः इसको सवाना भी कहते हैं. यानी अगर उष्णकटिबंधीय अगर हम घास के मैदान को देखें तो इसका अगर कॉमन नेम सवाना है, ये पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. भारत में इसको सवाना तुल्य चरगाह के मैदान मिलते हैं. यानी भारत में इसको सवाना तुल्य चरगाहों के रूप में जहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने के लिए ये बहुत ही आदर्श क्षेत्र माना जाता है. कहते हैं सवाना एक जटिल
जो है पारितंत्र यानी पारितंत्र बनाते हैं, जिसे घास के साथ वृक्षों का एक समूह होता है। घास के मैदानों की जो है मृदा समृद्ध और उपजाऊ होती है, क्योंकि आपको पता ही अगर घास होगा और पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधे के पत्तियों से क्या होगा, खाद बनेगा और वो ग्रासों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसलिए इस क्षेत्र में जो है छोटे घास के साथ साथ बड़े बड़े वृक्ष भी पाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है फ्लोरा और फना किस प्रकार के पाए जाते हैं, यानी पादप जात और प्राणी जात जो है किस प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन का मिला हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ पर कई जीव के लिए सर्वाइव करने के लिए ये आदर्श जगह बन सकता है। कहते हैं घासों का बहुलते होने के कारण जो है शुष्क अवरोधी पादपों का कहीं कहीं पाया जाना इस परितंत्र का अभिलक्षण है। घास की ऊंचाई वर्षा पर निर्भर करती है। देखिए अगर घास की लंबाई जो होगी, ऊंचाई होगी, वो वर्षा पर निर्भर करता है। अगर 0.2 मीटर से 3 मीटर तक ऊंची हो सकती है, देखिए घास के जो आकार है 0.2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक ऊंची हो सकती है। पेड़ों की ऊंचाई जो होती है 10 मीटर से कम होती है, यानी 10 मीटर से कम पेड़ की ऊंचाई देखने को मिला है। आश्रय के अभाव में जंतुओं की संख्या बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर आश्रय नहीं है और आश्रय की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जंतुओं बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। कहते हैं इस पारितंत्र में बड़े शाकाहारी बारहसिंह, प्रहान उत्तरी अमेरिका में, और जंगली घोड़ा, गधा, सेंगा, एक प्रकार के जो बारहसिंगा होता है वो भी पाया जाता है, जो कि रशिया में पाया जाता है। जेवरा और मुर्ग दक्षिण अफ्रीका में होते हैं और मांसाहारी प्राणी संख्या के आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। इनके उदाहरण जो है कोयलट, नेवस, बेडस, बेड जो है बेडगर्स, लोमड़ी व फेरेट नवल की जाति का जानवर है, ठीक है, बाज, गोरैया, बल्लर्स, कुलेकन चिड़िया, सहन चिड़िया व मोर इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले आम पक्षी हैं, जो कि बहुत काफ़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। घास के मैदान में जो सुसुप कीट जाति का भी यहाँ पर बहुलता पाया जाता है, यानी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर सांप भी देखने को मिलेगा और कीट जातियाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। देयर इज अ नेक्स्ट इज अ डिजर्ट। डिजर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू डिस्ट्रीब्यूशन। डिजर्ट आर द वाटरलेस वेरियन रीजन ऑफ द अर्थ। दे ऑक्यूपाई अबाउट द 1/7 ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ सरफेस। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/7 लैंड अर्थ ऑफ सरफेस। Desert from the stem to the condition of sequence of ecosystem with respect to the climatic condition. There occur in two belt that are in circle and the northern and southern hemisphere. The roughly is a centered over their tropics of Cancer is a Capricorns and the Sahara desert of Africa are the largest Indian third desert are their extension of the Sahara desert through the Arabian and Persian desert. There is the most important and the air climatic condition there. The climatic condition here, the first is the annual rainfall is very little. There is the rain is a very little and it may be less than 25 centimeter per annual. And at a some place if the high it is a influence of distributed. And second is the temperature may be a very high is a subtropical desert and very low is a cold desert is a Ladakh. There is the most important area, the Ladakh area. The wind have a highly velocity. The wind is a very fast. There is highly velocity in this area. And the flora and the fauna here is a castrix. Is Acacia rubopia and the prickles is a pair of some of their common desert plant. The desert animal are insect, reptiles and the bovines, rodents and desert sort of fox, kangaroos as a wood rat, a rabbit is a armadillo and the common mammals in desert. The camel is known as the sheep of the desert as it can be travel long distance and without drinking water for several day. There is the most important here, the camel is also called to the desert sheep. There is a, why to call? There is a several day is the, without drinking in a water survive in this area. यहाँ पर जो है मरुस्थल की बात आ गया है, डिजर्ट की बात आई है, तो इसमें सबसे पहले तो हमारा वितरण होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। अगर देखा जाए तो मरुस्थल पृथ्वी के जो है जलवहीन बंजर भाग में आता है, जिसमें जल की मात्रा बहुत ही कम होती है और ये पृथ्वी की सतह का लगभग 7वां भाग घेरा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि 7वां भाग जो है डिजर्ट एरिया के अंतर्गत ही आता है। कहते हैं परिस्थिति क्रम में ये जलवायु भी दृष्टिकोण से एक चरम सीमा पर होते हैं और प्राय उत्तरी और दक्षिण ग्रोथ के घेरने वाले दो पट्टियों में स्थित होते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास ही होते हैं।
अफ्रीका का सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है और भारत का थार मरुस्थल अरब और फारस के सहारा मरुस्थल का विस्तार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अफ्रीका का जो अगर आप देखोगे सहारा मरुस्थल वो सबसे बड़ा है, लेकिन भारत में जो पाया जाता है वो है थार मरुस्थल, जो अरब फारस और सहारा मरुस्थल के विस्तार के लिए उत्तरदायी होती है। कहते हैं अगर यहाँ पर देखा जाए जलवायु की कंडीशन, तो पाया जाता है कि जलवायु यहाँ पर डिफरेंट होती है। कहते हैं इसमें वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, यानी देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी रेन जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि दो स्थानों पर अधिक होती है तो इसका जो वितरण है असामान्य रहती है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का तापमान बहुत अधिक और ठंडे मरुस्थल में बहुत कम होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात होती है, अगर देखा जाए तो दिन में जो है बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, लेकिन अगर रात में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत तेज़ सर्दी भी पड़ती है। तो यहाँ का जो कंडीशन है बहुत हार्श कंडीशन है, जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। कहते हैं यहाँ वायु की जो वेग होता है अत्यधिक मात्रा में चलती है, यानी क्योंकि रिजॉर्ट एरिया है तो यहाँ जो है वायु काफ़ी तेज़ चलती है। यहाँ पर जो है पादप और प्राणी जाति, देखिए यहाँ पादप प्राणी जाति के लिए बेशक लिए आदर्श एरिया न हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई जीव जंतु जो है पाए जाते हैं। कहते हैं अगर नागफनी देखा जाए, बबूल देखा जाए, यूफोर्डिया और कटेदार नागफनी मरुस्थल पादपों के सामान्य उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही जीव सर्वाइव, पेड़ पौधे सर्वाइव कर सकते हैं जिसमें जो है जो पत्तियाँ होती है कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, और इनके जड़ें जो होती है बहुत डीपली चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जल नहीं होती है तो ये बहुत डीपली जाके जल को अब्सॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि वर्षा जलन बहुत कम होने के लिए इनकी पत्तियाँ जो होती है कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और कई कई पौधों में तो पत्तियाँ होती ही नहीं है, क्योंकि पत्तियाँ रहेगी तो इसमें स्टोमेटा खुलेगा और इससे क्या होगा, इसका जो है पानी हर्ष हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा बहुत से जो है यहाँ पर जो है तनों से स्टोमेटा होने वाले पौधे पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस होती है, तो कैक्टस जो होता है अपने तनों से ही जो है अपना भोजन बनाती है। तो ये पौधों की यहाँ की विशेषता है, और यहाँ की जो है कहते हैं जैसा कंडीशन पाया जाता है वैसा ही पेड़ पौधे का विकास होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मरुस्थलीय जंतु कीट और सुसे बिल बनाने वाले और कुतरंग प्राणी ही पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन कुतरने वाला प्राणी ही पाया जाता है। कहते हैं यहाँ पर छुजंदर हो, लोमड़ी हो, कंगारू हो, चूहा, खरगोश और सामान्य सतनधारी पाया जाता है, जो कि आम होता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पाया जाता है वो ऊँट होता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिना पानी पिए कई दिनों तक चलता रहता है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको बचपन से पढ़ाई जाती है कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पैर जो होता है गद्दीदार होता है और इसको सर्वाइव करने के लिए बहुत आसान बना देता है, और रेत में जो है इसका पैर धंसता भी नहीं है, तो ये भी इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए इसका पैर जो होता है काफ़ी मांसपेशियों से बना होता है, जो कि क्षेत्रफल की वजह से ये धंसती नहीं है। और दूसरी बात जो होता है, इसका स्किन जो होता है, क्योंकि मरुस्थल के जानवर है तो इसका स्किन जो है बहुत पतला हो जाता है, तभी पतला इसलिए होता है कि इसको जो है काफ़ी इसको सुरक्षित प्रदान किया जा सके और जो है गर्मी का ये झेल सके। और तीसरी बात ये रहता है कि इसको जो है पानी के हर्ष से बचाने के लिए इसका हुप बना होता है, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में फैट और पानी इकट्ठा रहता है। तो यही बात जो है इसको जो है राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज साबित करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो थी इसके रिसोर्ट एरिया में मानी जाती हैं। द नेक्स्ट इज अ टुंड्रा। टुंड्रा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। द वर्ल्ड टुंड्रा मीन्स टू द बोरियन लैंड द सेम देर आर फाउंड इन द दोज रीजन्स ऑफ वर्ल्ड वेयर एनवायरमेंट कंडीशन आर वेरी सर्व एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ टुंड्रा इज अरेक्टिक्स एंड अल्फाइन। द अरेक्टिक्स एंड द अल्फाइन इज बीन हेयर एंड देर डिस्ट्रीब्यूशन द आर्टिक टुंड्रा इज एक्सटेंड एज अ कंटिन्यूसी बेल्ट बिलो टू द पोलर आइस कैप एंड अबव द ट्री लाइन्स ऑन द नॉर्थन हेमस्फीयर। इट्स ऑक्यूपाई द नॉर्थन फेयरिंग्स ऑफ देर कैनेडा, अलास्का एंड यूरोपियंस एंड रशिया एंड सर्बेरिया एंड द आइसलैंड ग्रुप ऑफ अंटार्कटिक ओशियंस। द अल्पाइन्स इज अ टुंड्रा इज अक्कर इन द हाई माउंटेन पीक अबव द ट्री लाइन्स एंड सीन द माउंटेन्स आर फाउंड एट ऑल एल्टीट्यूड्स आर देयर फॉर अल्पाइन्स इज देयर टुंड्रा शो डे एंड द नाइट टेम्परेचर ऑफ वेरिएशन। देयर इज द नेक्स्ट इज अ क्लाइमेट। देयर क्लाइमेट इज अ परमानेंटली फ्रोजन या सब सोयल्स कॉल इज अ प्रो फॉरेस्ट।
पर फर्स्ट इज द फाउंड इन द ऑर्किड्स एंड देयर इज अ एंडरोस्टिक्स टुंड्रा. द समर टेम्परेचर मई बी अराउंड 15 सेल्सियस एंड विंटर इट्स मई बी अ लो एज अ -57 सेल्सियस. एवर्टिस टुंड्रा इज अ वेरी लो प्रेसिपिटेशन ऑफ लेस देन अ 400 mm पर ईयर. There is a most important year and short vegetation period of generally less than 50 days between the spring and the autumn frost. And productivity is very low. There is a next is flora and the fauna. The typical vegetation of Eriotics is a tundra, is a cotton grass. Cotton grass and sedges, is a dwarf, is a hail, is a bulbuns, is a varches and the lichens. The animals of tundra are is a harpoias, the reindeer, deers and the muska, ox, otter's hare and caribous. Lemming on the squirrel, body is covered with a fur for the insulation. And the insect have a short life cycle which are completed during the favorable period of the year. That is the most important. There are insulator and insect have a short life cycle and their body is covered with the fur. That is the period of the year. दोस्तों यहाँ पर टुंड्रा की बात की जा रही है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कहते टुंड्रा शब्द का अर्थ ही जो होता है बंजर भूमि. देखिए इसका मतलब ही क्या होता है, बंजर भूमि. टुंड्रा का मतलब होता है बंजर भूमि. ये संसार के भागों में पाया जाता है, ये संसार के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर्यावरणीय दशाएँ अत्यधिक कठिन होता है, यानी जहाँ पर कोई जीव जंतु के सर्वाइव करने के लिए बहुत काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. अगर देखा जाए टुंड्रा दो प्रकार के होते हैं, एक अंटार्कटिका टुंड्रा और एक होता है एप्लाइड टुंड्रा. अगर देखा जाए इनकी वितरण प्रणाली को यानी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये जो है अंटार्कटिक टुंड्रा जो होता है ये उत्तरी ध्रुव में ब्रिटिश रेखा के ऊपर ध्रुवीय हिम आवरण के नीचे एक अवांछनीय पट्टी के रूप में अव्यवस्थित होते हैं. और उत्तरी कनाडा जो है अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया व अंटार्कटिका समुद्र के द्वीप समूहों में फैला हुआ है. कहते हैं अल्पलाइना टुंड्रा ये वृक्ष रेखा के ऊपर पर्वतों पर स्थित होती है क्योंकि पर्वत सभी अक्षांशों पर पाया जाता है. अंततः जो है अल्पाइना टुंड्रा दिवस और रात्रि के तापमान परिवर्तन को दर्शाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है. अगर देखा जाए यहाँ पर जलवायु की कंडीशन, तो कहते हैं अंटार्कटिका एवं जो अंटार्कटिका और अंटार्कटिका टुंड्रा में स्थायी रूप से जमी हुई जो अब मृदा पाई जाती है और जिसे हम फर्मास्फॉट जिन फर्मोफास्ट कहते हैं. कहते हैं ग्रीष्म ऋतु का तापक्रम अगर देखा जाए तो 15 सेल्सियस के आसपास ही पाई जाती है और शीतकाल में अंटार्कटिका टुंड्रा में तापक्रम जो होता है -57 सेल्सियस तक पहुंच जाता है जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन बना देता है. वार्षिक वर्षा अगर देखा जाए तो इसमें जो है 400 मिमी से कम होती है. यानी दोस्तों जहाँ सेंटीमीटर की बात की जाती है वहाँ पर अगर मिमी में बात किया जाए तो आप समझ सकते हो कि यहाँ वर्षा जो है कितनी होगी. तभी तो यहाँ पर जो है इसको बंजर भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है. तो ये बात समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. कहते हैं बसंत और पतझड़ के बीच छोटा सा वनस्पति काल 50 दिनों से भी कम समय का होता है. यानी यहाँ पर अगर बसंत और पतझड़ की बात किया जाए तो 50 दिनों से भी कम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है. दूसरी यह उत्पादकता कम होती है, यानी अगर इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति सर्वाइव करता है तो उसके लिए सर्वाइव करना कठिन होगा क्योंकि यहाँ पर जो है उत्पादकता बहुत ही कम है. देखिए यहाँ पर उत्पादकता कम होने की वजह से क्या होगा, इसका असर पादप जात और प्राणी जात पे जरूर पड़ेगा. कहते हैं अंटार्कटिका टुंड्रा की प्रारूपिक वनस्पति कपास, घास और नरकट, बौनी झाड़ी, मीसा, वच और शैक है. टुंड्रा प्रदेश के जंतु जो है बारहसिंगा, कस्तूरी बैल, अंटार्कटिका खरगोश, वेरिवोस, लेमिंग व गिलहरी है. अगर ताप रोधन के लिए उसका जो है शरीर फर से ढका हुआ रहता है और कीटों का जीवन चक्र अल्प होती है, यानी यहाँ पर जो है कीटों के जीवन जो होती है बहुत कम समय के लिए होती है जो कि अनुकूल अवधि में पुण्य हो जाती है. यानी एक समय जो होता है अर्ली मूड में ये कंप्लीट अपना जीवन सर्कल कर लेते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वाटिक बायोम्स. एक्वाटिक बायोम्स देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट. द एक्वाटिक सिस्टम आर कंसिस्टेड बाय देयर वाटर बॉडीज. द वाटर कवर अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. द ओरिजिन ऑफ द लाइफ लुक अ प्लेस एक्वाटिक इकोसिस्टम. देयरफॉर दिस इज इकोसिस्टम मेक अ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अवर बायोस्फीयर. द एक्वाटिक इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सेलेंट्री इन टू द फ्लोइंग टू टाइप्स. द फर्स्ट इज
of fresh water and second is marine. That is the most important here. And the come of first fresh water ecosystem. That is the most important here. The water on land, which is a continuity, is a cycling and has a low salt content known as a fresh water. There is a fresh water is a call. There is a very low amount of salt content in this type of water. And the study of fresh water ecosystem is known that there's a limnology. The limnology is there a study of the fresh water ecosystem is called limnology. The fresh water are classified into two types. There the first is standing or still water. The Atlantic means pond, lake, box and swamps. And the second is a running water, means lotics. There is a spring, mountain, box, and stream and river. That is the most important area. And commonly found of flora in the pond and lake include as is a peptoplacotons, fresh floating macroscopic plants, and such as algae, as diatoms. And floating plant here is a bistia, water lilies, and the limna, and azolla. And the rotated plant here is a Hydrilla and Vascularia and Tapa and Water Lily. And second is the common animal is a pond and the lake include here is a Zuma plant, cottons, free floating macroscopic plant and such as the protozoans and there is a crustaceans. And the actively is a swimming fish, frog and tortoise. And the bottom dwells like a hydra, worms, pavans and crabs is snails. There is the most important is animal here and the birds such as the herons, water, fowls and duck is occur in and the round water. The wetland here the between their aquatic and terrestrial ecosystem and there is a show on the Eddy's effect on for the ecotones. The ecotones is the transitional zones between two ecosystem. Example of wet zone are swamps and the marshes is the mangroves. दोस्तों यहाँ पर जो है जलीय बायोम यानी एक्वाटिक बायोम्स के बारे में बात किया जा रहा है. देखिए जलीय बायोम एक्वाटिक बायोम्स मतलब यही हुआ कि जलीय बायोम का निर्माण जो जलाशय द्वारा होती है. क्योंकि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि हम जल की बात कर रहने जा रहे हैं. जल पृथ्वी की सतह पर लगभग 3/4 भाग जो है घेरा हुआ है. यानी देखा जाए जैसे हमारे शरीर में होता है वैसे ही जल जो है पृथ्वी पर भी घेरा हुआ है. जीवन का आरंभ अगर देखा जाए तो जलीय पारितंत्र में ही हुआ है जो साइंटिस्ट ने भी प्रूफ कर दिया है कि जो जीवन का आरंभ हुआ है वो जलीय तंत्र में ही हुआ है. अंततः यह पारितंत्र हमारे जौ मंडल का एक महत्वपूर्ण भाग माना जा सकता है. कहते हैं लवण के आधार पर जलीय पारितंत्र के वर्गीकरण के दो प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. एक जो होगा लवण जलीय यानी फ्रेश वाटर और एक जो होगा समुद्री यानी मैरिन जो कि दो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहता है. सबसे पहले हमारे समक्ष आता है जो है अलवणीय पारितंत्र. तो अलवणीय पारितंत्र क्या है. देखिए अलवणीय पारितंत्र में जो है जमीन पर जल जिसका चक्र निरंतर चलता रहता है और जिसमें लवण की मात्रा अत्यंत न्यून हो या अलवण जल कहलाता है. अलवणीय जलीय जो है पारितंत्र का अध्ययन ठीक है उसको हम सरोवर विज्ञान कहते हैं यानी लिमोलॉजी कहलाता है सरोवर विज्ञान कहलाता है. अलवणीय जलाशय के दो समूहों में विभाजित किया गया है. एक तो किया गया स्थिर या रुका हुआ जल यानी जिसको हम रुका हुआ जल कहते हैं जो बड़े बड़े जो है पाउंड उंड पाए जाते हैं. इसमें लैट्रिक्स कहते हैं यानी इसको लैट्रिक्स कहते हैं जैसे तालाब हो गया झील हो गया दलदल हो गया अनूप्स हो गया. तो यहाँ पर जो जल होता है रुका हुआ होता है. लेकिन दूसरा जो है आपको बहता हुआ यानी सरिता जल कहते हैं जिसको हम लोटिक्स कहते हैं. लोटिक का उदाहरण होगा जैसे झरना पर्वतीय जल स्रोत धाराएं और नदियाँ. तो ये सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. उसके पश्चात अगर देखा जाए तालाब और झील के सामान्यतः पाए जाने वाले पादप जात. देखिए कौन कौन से जो है पादप जात तालाब और झीलों में पाए जाते हैं. तो देखा जाए तो पादक लवण जो है मुक्त रूप से तैरने वाले सूक्ष्म पादप जैसे शैवाल डायटम पाया जाता है और तैरने पलम करते वाला पादप यानी तैरने और पलवन करते हुए पादप जो है प्रिस्टिया जलकुंभी लेमना ठीक है एजोला कमल ये सारे पाए जाते हैं. अगर तीसरी बात देखा जाए यहाँ पर जड़युक्त पादप यानी जिसमें जड़ पाया जाता है ठीक है. यहाँ पर हम पादप की बातें कर रहे हैं जो कि फ्लोटिंग था अब जो है हमारा रूट जो प्लांटेड है. यहाँ पर कहा जाए अगर जड़युक्त पादप की बात करें हम तो इसमें हाइड्रा सबसे ऊपर आएगा. उसके बाद आएगा बेलिसोनेरिया कमल सिढ़ारा और जल कुमिनिंदिनी यानी लीली आदि आएगी.
तो ये सारे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखा जाए दूसरा, तालाब व झीलों में सामान्यतः पाए जाने वाले प्राणी, अब कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं तो ये भी जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जल व मुक्त रूप से तैरने वाले सूक्ष्म जंतु जैसे प्रोटोजोआ और जैसे क्रस्टेशियंस या प्राणी पाए जाते हैं। अगर देखा जाए सक्रिय रूप से तैरने वाले जैसे मेंढक, मछलियाँ व कछुआ यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। अगर तीसरी बात देखें तो जल में रहने वाले जैसे हाइड्रा, क्रूमी, फ्रॉन, केकड़े, घेंगे आदि भी पाए जाते हैं, जिनके लिए सर्वाइव करने के लिए अच्छा कंडीशन प्राप्त होता है। अगर हम पक्षी जैसे बगुला, जल मुर्गी, बत्तख आदि पानी के आसपास पाए जाने वाले जो है पक्षियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कहते हैं जलीय स्थलीय पारितंत्र के मध्य जो है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स पारितंत्र होते हैं जो कोर प्रभाव दिखाते हैं और एक जो है इकोटोन्स बनाते हैं। इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्र जैसे स्थलीय और भूमि जो संक्रमण बीच का क्षेत्र होता है और दलदल के उदाहरण जो है अनुपम्स यानी कश मार्सल्स और जो है ग्रयान यानी मैंग्रोव्स आदि होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अ मैरिन इकोसिस्टम। द मैरिन इकोसिस्टम कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर। द मैरिन इकोसिस्टम कवर नियर बाय द 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस विद ऑन एवरेज डेप्थ अबाउट 4,000 meters. The 4,000 meters is the most important, the average surface, and 71% the earth surface. The freshwater rivers is a eventually they are empty into the ocean. The salinity of open sea is a 3.6% and the aquatic constant of sodium and chlorine make up the nearby the 86% of the sea salt and the rest is due to other element such as सल्फर, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम एंड कैल्शियम। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर। एंड द टेम्परेचर एयर, द टेम्परेचर द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज अ वेरिएशन इज अ मच लेस अ सी देन ऑन द लैंड थ्रो देयर नियर द सर्फेस। इट इज अ कंसिडरेबल फ्रॉम -2 Celsius इन ऑन एक्वाटिक्स ओशियंस एंड 27 Celsius इज द वार्मर्स वाटर एज अ स्पेसिफिक ocean in the deepest layer of temperature is the contact at about 2 Celsius and here light is reaches up to the content depth only. The deeper region is a permanently is a dark, the deeper region is a permanently dark. And there come to the pressure increase with the depth in the ocean and it is a 1 atmosphere near the surface and 1000 atmospheric at the greatest depth. That is the most important. And come to the tides. The tides is their gravitational pull of the sun and the moon. The causing the tides is the ocean. At the time of full moons and the new moon tides are highly and that is called to the spring tides. And then at the quarter moon there are tides are exponentially low and known as the low tides of naps of tides. And there is the most important and the flora and the fauna. There is the life is the ocean is a limited but is a biodiversity is very high as the compared to the terrestrial ecosystem. The almost every major groups of animal occur somewhere or the outer in the sea, excepted the insect and vascular plant, which are the completely absent in the marine ecosystem. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि समुद्री पारितंत्र किस प्रकार अपना विशिष्ट स्थान रखता है और इनका विशिष्ट कार्य है। कहते हैं समुद्री पारितंत्र जो होती है सबसे पहले तो हमारा आता है वितरण के ऊपर कि ये कहाँ तक फैला हुआ और इसकी क्या कंडीशन है। अगर देखा जाए समुद्री पारितंत्र जो है पृथ्वी का लगभग 71% भाग घेरा हुआ है और इसकी औसत गहराई लगभग जो है 4,000 meters माना जाता है। कहते हैं लवण जलीय नदियों अंत में समुद्र में गिरता है और खुले जो है समुद्र की लवणता लगभग जो है 3.6% होती है जो लगभग नियत रहती है यानी ये रहती रहती है। समुद्री लवण का लगभग जो है 86% सोडियम क्लोरीन निर्मित होती है और शेष सल्फर होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है और कैल्शियम पाया जाता है। अगर देखा जाए तापमान तो कहते हैं समुद्र में तापमान परिवर्तन का पारस्थल की अपेक्षा अधिक न्यून होता है
और यह मान अंटार्कटिका समुद्र में -2 सेल्सियस तथा प्रशांत महासागर गर्म जल का जो है 27 सेल्सियस के मध्य माना गया है। कहते हैं समुद्र की गहराई में तापमान लगभग 2 सेल्सियस से लगभग नियत होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इस बात को अगर हम प्रकाश की कंडीशन देखें तो प्रकाश एक नियमित गहराई तक पहुंच पाती है और अधिक गहरे भाग सदैव अंधकार में रहता है। तो कहते हैं जितना गहराई होगी उतना अंधकार में तो रहेगी, ये जनरल सी बात है। उसके पश्चात है दाब। देखिए समुद्र में गहराई के साथ दाब के मान में वृद्धि होती रहती है। यह मान सतह पर जो है एक वायुमंडलीय दाब के लगभग वह सर्वाधिक गहराई में 1000 वायुमंडलीय दाब के बराबर माना जाता है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ज्वारभट्टा। देखिए ज्वारभट्टा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। ज्वारभट्टा कब आता है? कहते हैं सूर्य व चांद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वारभट्टा आता है, यानी जब सूर्य जो है चांद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है तो पृथ्वी में जो होता है ज्वारभट्टा आता है। और ये ज्वारभट्टा कब आता है? पूर्ण चांद्र व नवर चांद्र के समय ज्वारभट्टा आता है, या तो अमावस्या के दिन आएगा या पूर्णिमा के दिन जो है ये ज्वारभट्टा देखने को मिलेगा। इसे वृद्ध ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। कहते हैं जो चंद्र में ज्वारभट्टा अत्यंत कम ऊंचाई तक होती है इसे लघु ज्वार यानी निपल टाइट्स भी कहते हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि ज्वारभट्टा क्यों आता है। जब चंद्रमा और सूर्य जो है आपस में गुरुत्वाकर्षण कारण जो है अपनी ओर आकर्षित करती है तो पृथ्वी भी आकर्षित होती है, जिसके वजह से जो है पानी की बहुत बड़ी लहरें उठती है, जिसको ज्वारभट्टा के नाम से जाना जाता है। ये सदैव जो है पूर्णिमा को आती है या अमावस्या के दिन ही आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं उसके बाद है हमारा पादप जात एवं प्राणी जात। पादप जात एवं प्राणी जात क्या होती है? कहते हैं समुद्र में जीवन सीमित है लेकिन स्थलीय पारितंत्र तंत्र की अपेक्षा इसकी जैव विविधता अत्यधिक है। लगभग सभी मुख्य जंतु समूह समुद्र में एक या दूसरे स्थान पर पाए ही जाते हैं, केवल कीटों व संवहनीय पादपों को छोड़ के, क्योंकि कीट ने वहाँ पर जो है जलीय स्थल पर नहीं पाया जा सकता जो समुद्री पारितंत्र में पूर्णता अनुपस्थिति होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल सक्सेशंस। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इकोलॉजिकल सक्सेशंस। द बायोटिक कम्युनिटी एंड डायनामिक्स इन अ नेचर एंड चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द प्रोसेस बाय विच अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन अ एरिया एंड द रिप्लेस बाय अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। फ्रेंड हियर इज व्हाट यू मीन टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन। द प्रोसेस विच द कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन ऑन द एरिया आर रिप्लेस बाय अनदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशंस एंड द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट आर इन्वॉल्व इन दिस चेंज। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन दिस चेंज। दिस चेंज इज अबाउट अबाउट देयर both of activity of the community as well as the physical environment of the particular area, and the physical environment often influence of the nature, direction, rate and optimals is a limit of changes, and during sensation is both plant and animal community undergoes. And there are two types of sensations, is a primary sensations and secondary sensation. There is a first come here is a primary concessions. The primary concessions take place over where of as an unoccupied area as such as a rock, outcrops and the newly formed deltas and the sand dunes is emerging, is a volcanoes, is land and the is a lava flow as the well as the glaciers meridian and the mud area exposed by the stratings glacier and where no community has existed to the previously in there are plants that involved it to the varied land and the various soils initially there is a absent for the first time to call pioneers and species there are assemblies of there are pioneers is a plant is a collective called pioneers community. A pioneers is a species generally show a high growth rate but short lifespan. That is the most important here. There is a primary sensation is a much more difficult to observe than a secondary sensations because there are relatively very few places on the earth that do not already have a community of organism, and the community that initially inhabit our bare area is called is a pioneers community. The pioneers community
आफ्टर सम टाइम गेट रिप्लेस बाय देयर अनदर कम्युनिटी विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड दिस इज अ सेकेंड कम्युनिटी गेट रिप्लेस बाय थर्ड कम्युनिटी दिस प्रोसेस इज कम्युनिटी सिक्वेंस विच देयर कम्युनिटी इज द रिप्लेस बाय अनदर कम्युनिटी Here show the ordinary sequence of primary sensation here is the preliminary stage and the intermediate stage and the climax community. There is the most important community here show in this diagram. And there is the first is the break rock, leaf chains, small animal plant, leaf chains, animal herbaceous grass and the grass shrubs and certain influence to trees. And there is studied turtling trees here. There is the preliminary trees, orderly sequence of primary sensation here. There is the each translation of temporary community that is formed and the replaced during to the sensation is called a stage of sensation or several community. The terminal of final stage of sensation from to the community which is called climax is a community. A climax community is a stable, is a mature, more complex and a long lasting. There is an entire sequence of community is given area. It's a settings is each other during the course of sensation is a term sure. There is a figure isn't here. Here shown this picture is a secondary sensation on the land. There is the most important here. The air present of there is a flowers flat, animal weeds and the 1 and 2 years perennials and the grass shrub and the other perennials. And there is there different types of secondary sensation in this land that is shown in this diagram. The animals of such a community also exhibit of the sensation which to be great extent of determination by plant sensations. However, animals of such a sensational stress are also influenced by their types of animals that are able to the migrate from the neighborings and community. A climax is the community as the long as the undistribute. There is an undistributed is a climax is the community. There is a remand is a relatively stable is a dynamics equilibrium with their prevalence of is a climate and a habit factor sensation that occur on the land. There is a moisture content is a low such as or bare rocks and known as the is exact and the sensation that will take place in a water body like a pond a lake is called hydroth. And there is a secondary sensation here. The secondary sensation is the development of a community which form after their exertings of nature and their natural vegetation that constitute as the community is removed or disturbed or destroyed by the natural event like a hurricanes or forest fire is by a human relative event like a tailings of harvesting land. And secondary sensation is a relative fast as the soil has to be necessary of nutrient as well as the large pool of seeds and other dormant stage of organism. तो यहाँ पर जो आया है पारिस्थितिक अनुक्रमण. देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है कि पारिस्थितिक यानी पारितंत्र अनुक्रमण क्या है. कहते हैं प्रकृति में जैविक समुदाय गतिशील होते हैं और कुछ समय के उपरांत उनमें परिवर्तन होते ही रहते हैं. कहते हैं यह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के पादप समुदाय और प्राणी जातियों के स्थान पर कुछ कुछ समय बाद दूसरी समुदाय जाति आ जाती है ये प्रसर अनुक्रमण कहलाता है. यानी आप साफ शब्दों में समझ सकते हो कि जो जैसे कि हम अगर किसी क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र में कोई और व्यक्ति आगे रहने लग जाता है. यानी ये सब जो है क्षेत्र बदलते रहते हैं तो उसी को ही हम क्या कहें अनुक्रमण कहते हैं. यानी ये पादप प्राणी जात में भी ऐसा संभव होता है कि कभी कभी कोई क्षेत्र जो होता है किसी जीव के लिए जो है कंडीशन अच्छा बन जाता है और कभी कभी वही खराब कंडीशन बन जाता है तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाता है. जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ पक्षी जो होते हैं गर्म इलाके के तलाश में जो होता है ठंडे भारत से माइग्रेट कर जाते हैं कुछ दूसरे गर्म क्षेत्र में चले जाते हैं. तो ये भी बात प्लांट में भी यहाँ पर अनुक्रिया करती है. तो यही बात यहाँ बताया गया है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विषय के पादप समुदाय यानी एक पादप समुदाय और प्राणी जाति स्थान पर कुछ कुछ समय बाद दूसरे समुदाय जाति में चले जाते हैं उसी को हम अनुक्रमण कहलाता है यानी माइग्रेट कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में. इस परिवर्तन में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार की घटक भाग लेते हैं और यह परिवर्तन समुदाय की गतिविधियां यानी क्रियाकलाप के साथ साथ उस क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण क्षेत्रों के कारण ही होता है. यानी उस क्षेत्र में जो होता है जैविक अजैविक दोनों तरह की गतिविधियाँ देखने को आपको मिल जाएगा जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है.
कहते हैं अगर देखा जाए भौतिक पर्यावरण प्रायः जो है प्राकृतिक दिशा, परिवर्तन दर, परिवर्तन की इष्टतम सीमा सभी को प्रभावित करती है। अनुक्रम के माध्यम पादप प्राणी दोनों समुदाय में परिवर्तन होते ही रहते हैं। कहते हैं अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक अनुक्रमण होता है और दूसरा जो होता है द्वितीय अनुक्रमण होता है। कहते हैं अगर प्राथमिक में देखोगे तो वो मुख्य रूप से रहेगा, लेकिन द्वितीय अनुक्रम देखोगे तो उसमें गौण बातें रहेगी, सम्मिलित होगी। यहाँ पर पहला आता है प्राइमरी यानी प्राइमरी अनुक्रमण। देखिए प्राइमरी संश्लेषण क्या होती है, तो इसमें मुख्य बात यही आती है कि अनुक्रमण निम्न जो है प्रति गैर आबादी या उन अधिविकसित क्षेत्रों में होते हैं जैसे चट्टान ग्रस्त यानी आउटक्रॉप्स या जो है नव निर्मित जलटा और बालू डिप्पे से प्रकट होने वाले ज्वालामुखी द्वीपों और लावा स्तरों के साथ साथ हिम नदियों हिमोद यानी ग्लेशियर मोरियंस यानी कि निर्वतीय हिम नदी ग्लेशियर के कारण बने प्रकृति क्षेत्र जहाँ पहले से कोई समुदाय वास न कर रहा हो। कहते हैं प्रति भूमि जहाँ आरंभ में मृदा नहीं होती है पर पहली बार उगने वाले पौधे जो है अग्रगामी यानी पेलोनियर्स जाति कहलाती है। कई अग्रगामी पौधे आपस में मिलकर एक पादप समुदाय बना लेते हैं जिसे हम आगामी समुदाय भी कहते हैं। अग्रगामी जो है जाति में सामान्यतः जो है ऊंचे वृद्धि दर होती है लेकिन उनकी जीवन अवधि बहुत ही कम या अल्प होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर देखा जाए यहाँ पर द्वितीय या गौण अनुक्रमण की अपेक्षा जो है मुख्य अनुक्रमण देखना अधिक कठिन हो जाता है क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे स्थान बहुत ही कम है जहाँ जीव समुदाय पहले से मौजूद न हो। जो समुदाय पहले पहल जो है प्रति क्षेत्र में बसते हैं उगते हैं उन्हें ही अग्रगामी या पेनियर समुदाय कहा जाता है। कुछ समय के उपरांत इस पेनियर समुदाय के स्थान पर द्वितीय समुदाय आ जाते हैं जिसे कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं। आगे चलकर ये दूसरे समुदाय के साथ पर तीसरे समुदाय आ जाते हैं और इस प्रकार प्रक्रिया जो है अनुक्रमण बार चलती रहती है यानी कि एक समुदाय के स्थान पर दूसरा समुदाय आता ही रहता है। तो ये समझना बहुत आपके लिए आसान है कि कभी भी जो होता है एक समुदाय आता है, एक समुदाय छोड़ के चला जाता है, फिर दूसरा समुदाय आता है, फिर दूसरा समुदाय छोड़ के चला जाता है, तो तीसरा समुदाय जो है आके बसता है। तो इस प्रकार जो है क्रिया चलता रहता है जिसे हम कहते हैं अनुक्रम बार कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो कि प्राथमिक अनुक्रमण के सुव्यवस्थित जो है अनुक्रमण किया गया है। अगर देखोगे तो पहले आपको दिखेगा कि नग्न चट्टान जहाँ पर चट्टान के रूप में सिर्फ कोई जीव जंतु पनप नहीं रही है जिसको हम पेरिनियर स्ट्रेस कहते हैं, लेकिन पेरिनियर स्ट्रेस सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहती है, वहाँ पर छोटे शायद केन आ जाता है, फिर छोटे एक वर्षीय पादप उगने लग जाता है, फिर वहाँ पर बहुवर्षीय पौधे उगने लग जाते हैं और ये किस में चला जाता है, इंटरमीडिएट स्टेज में चला जाता है जहाँ पर जो है वृक्ष अधिक जो है घास छाया रहने वाले सारे पाए जाते हैं। लेकिन जब ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जाता है तो यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े वृक्ष के रूप में ये परिवर्तन हो जाता है। तो यही कंडीशन जो है कंटिन्यू चलती रहती है और इससे जो है पादप अपने आप को विकास के लिए अग्रसर होते रहते हैं। कहते हैं इसमें जो संक्रमित अस्थायी समुदाय बनाता है वह अनुक्रमण के दौरान प्रतिस्थापित हो जाता है, इसे अनुक्रमण के एक अवस्था या अनुक्रमण सीवल समुदाय भी कह सकते हैं। अनुक्रमण के अंतिम चरण अवस्था में जो समुदाय बनता है उसे हम चरम यानी क्लाइसोमैक्स जो है समुदाय कहलाता है, यानी लास्ट में जो आपने देखा हुआ क्लाइमैक्स जो आपको दिखेगा था ये अंतिम समुदाय होती हैं और ये चरम समुदाय स्थायी परिवृत्त और अधिक जटिल और दीर्घकाल तक जीवित रहने वाले होते हैं क्योंकि ये क्लाइमैक्स में जाते हैं तो ये काफ़ी जो है दीर्घकालीन जीवित रहने वाले पौधों में आ जाता है। कहते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में समुदाय का संपूर्ण अनुक्रमण जो अनुक्रम के दौरान एक के बाद एक कर होता रहता है उसे हम क्लाइमैक्सियर कहलाता है। जैसा कि यह चित्र में भी आप देख सकते हो, यहाँ चित्र में भी वही बात को दर्शाने की कोशिश किया गया है कि भूमि पर द्वितीय अनुक्रमण। देखिए अगर हम ब्रह्मिंस फील्ड देख लेते हैं जहाँ पर कोई जीव जंतु उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन वही अगर 2 से 3 ईयर के बाद देखोगे तो बैनिमर्स जो होंगे बढ़ते चले जाएंगे और इस प्रकार जो है धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेंगे और ये जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँच जाएंगी। तो ये पहुँचने में कम से कम कहते हैं 200 साल जो है वेरिएबल होती ही होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष ये रखती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक पादप जो है अनुक्रमण द्वारा निर्धारित होने वाले ऐसे समुदाय के प्राणियों में भी अनुक्रमण होता है, फिर भी आसपास के समुदाय में प्रवास करने योग्य जंतुओं द्वारा भी ऐसे अनुक्रमी अवस्थाओं को तंतु जो है प्रभावित करता है, यानी यहाँ जंतु जो है काफ़ी प्रभावित करते हैं जबकि ये चरम समुदाय शांत और दृढ़ रहता है। यह विशिष्ट मौजूद जलवायु और आवास कारकों के साथ गति संतुलन में अस्थायी होते हैं। कहते हैं नग्न
चट्टानों जहाँ की नमी की मात्रा कम होती है जैसे स्थानों पर होने वाले अनुक्रमण को जो है शुष्क तारा भी यानी जीरोसियर कहा जाता है, यानी जीरोसियर कहलाएगा। जलाशय जैसे तालाब झील में होने वाले अनुक्रमण को जलारंभी यानी हाइड्रोसियर्स कहलाता है। अगर देखा जाए द्वितीय अनुक्रमण का तो द्वितीय अनुक्रमण भी कुछ इसी बात को दर्शाता है कि ऐसे प्राकृतिक वनस्पति जो एक समुदाय में बनती है जब प्राकृतिक घटनाएं जैसे हरिकरण या जंगली आग या मानव में संबंधित क्रियाकलापों यानी जो है भूमि की जुताई एवं कटाई आदि कारण नष्ट जो वृक्ष हटा दिया जाता है तो उसके बाद वहाँ पर परिवर्धित होने वाले समुदाय को द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है, यानी ये द्वितीयक अनुक्रमण में आता है। कहते हैं द्वितीयक अनुक्रमण जो है अपेक्षित तेजी से बढ़ता है क्योंकि मृदा में आवश्यक पोषक तत्व के साथ साथ बीजों का बड़ा भंडार और जीवों के अन्य प्रबल अवस्थाओं में भी उपलब्ध होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायो जियोकेमिकल साइकिल। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ बायो जियोकेमिकल साइकिल हियर। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड अ सर्वल केमिकल एलिमेंट फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। देयर मे बी यूज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर कंपोनेंट अ पार्ट ऑफ एंजाइम विच इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस लाइफ इज अ प्रोसेस अनलाइक एनर्जी विच इज अ फ्लो इज अनडायरेक्शनली इज अ न्यूट्रिएंट एंड इज अ कंटिन्यूसली एक्सचेंज्ड बिटवीन टू द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट। There is a bio means living, geo rock, chemical element. There is a bio geo chemical and there is cycling of nutrient is a biosphere is called biochemical or nutrient cycle. That is also called to the bio geo chemical or nutrient cycle. It involves a movements of nutrient element through the various component of the ecosystem. There are the more than 40 element required for the various is a life process is a plant and animal. There is the most important here and this animal is the element are continuously cycling in the ecosystem through the biogeochemical cycle and there are plant is a planet is a earth has a no input of these nutrients and the nutrients are matter from to dead remaining of organism are recovered are made of available to be a producer to decomposer and this nutrient are never to lost from ecosystem. देखिए दोस्तों हमारे समक्ष जो आया है टॉपिक हुआ है बायो जियोकेमिकल। देखिए इसका मतलब होता है जैव भू रासायनिक चक्र, यानी जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें जो है कई चक्रों के बारे में हम पढ़ेंगे, वाटर साइकिल हो चाहे सल्फर साइकिल हो या कार्बन साइकिल हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं जीवों को अपनी जैव प्रक्रियाओं के लिए अनेक रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह उनके संरचना अवयवों की एंजाइम की भांति उपयोग में लाए जा सकते हैं जो विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। कहते हैं ऊर्जा का प्रवाह एक दृश्य होती है जबकि पोषक तत्व का जीव एवं उनके भौतिक पर्यावरण के साथ जो है निरंतर आदान प्रदान होती रहती है। यानी ये देखिए कहते हैं कोई भी जीव जंतु को सर्वाइव करने के लिए केमिकल की आवश्यकता होती है, रसायन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जियो जो है बायो मतलब जीवित और जियो मतलब भू केमिकल रसायन, यानी बायो जियो केमिकल कहा जा सकता है। कहते हैं जैव मंडल में पोषक तत्वों का चक्र जो है जैव भू रासायनिक चक्र या इसको हम पोषक चक्र भी कहते हैं। इसमें एक पारितंत्र के विभिन्न घटक होते हुए चक्र पूरा हो जाता है। पादप एवं जीवों के विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए लगभग 40 तत्वों की आवश्यकता होती है। यह तत्व जो है पारितंत्र में जैव भू रासायनिक चक्रों द्वारा जो है निरंतर चलमान होते हैं, यानी निरंतर जो है प्राप्त होती ही रहती है और पृथ्वी पर इसका जो है कोई निवेश नहीं है। कहते हैं पोषक तत्व जो है अब घटक द्वारा जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त किए जाते हैं और उत्पादकों का उपलब्ध कराए जाते हैं और इस प्रकार जो है पोषक तत्व पारिस्थितिक तंत्र में कभी नष्ट नहीं होते हैं, यानी प्राकृतिक में ये सदैव बने ही रहते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है कार्बन चक्र क्या कहता है और कार्बन चक्र के बारे में आप क्या जानते हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल इज हियर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर इज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर इज अ सोर्स ऑफ ऑल कार्बन इन बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द फॉसिल यूज एज अ फॉसिल फ्यूल। देयर इट इज अ हाईली सोलेबल इन वाटर। द ओशियन ऑल्सो कंटेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट्स। द कार्बन साइकिल इज गिवन एज हियर अ कंप्रेस टू द फ्लोइंग प्रोसेस। देयर इज अ फर्स्ट इज photosynthesis. The photosynthesis is a terrestrial and aquatic plant utilize the carbon dioxide from a photosynthesis and through this process
द इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज दस द फिक्स एंड द एसुमलेट बाय अ प्लांट इट इज अ पार्टली यूज बाय देम फॉर देयर ओवन लाइफ प्रोसेस एंड द रेस्ट इज अ स्टोरेज एज देयर बाय होम्स विच इज अवेलेबल टू बी अ हेटरोटॉप्स टू द फूड एंड देयर नेक्स्ट इज अ रिस्पिरेशन The respiration here, the respiration is the metabolic process or the reserve of a photosynthesis in which the food is oxidized, is a liberate energy to perform to the various life process and the carbon dioxide and the water. Thus, the carbon dioxide and atmosphere recover through this process. And the next is decomposition. The decomposition here, after the death of organism, the decomposer break down to the remaining dead organic matter and release their leftover carbon as a back into the atmosphere. This is the most important. And the next is come here. There is a combustion. The combustion means the fossil fuel such as a crude oil is a coal, natural gas, heavy oil is a burning or release a carbon dioxide and the carbon monoxide into the atmosphere. The forest make a large amount of fossil fuel. The fossil fuel is a produce of complete or partial decomposition of plant and animal as a result of the exposure to the heat and pressure in their earth. It's a pressure over a million of year. The forest also act like a carbon resource as a carbon fixed by the them is a cycle very slowly due to their long life. The release of carbon dioxide by forest fire. And then next is a impact of the human activity. There is a most important here. A carbon dioxide is a continuously increasing the atmosphere due to the human activity, such as the industrialization, urbanization, and increasing of the is a automobiles. This is increasing of atmospheric CO2 is a leading to the greenhouse effect and the global warming. They here show the carbon cycle is very easy diagram here. There is a photosynthesis and goes the two sides, the atmospheric CO2 and green plant make a organic compound. There is a decomposition and respiration is a under of center. And there is also goes waste to the animal tissue. There is a eatings and the is a decomposition and respiration. And this other side is a fossilization and combustion. There is a fossil fuel gas. And petroleum and cycle. There is a carbon cycle. There is the most important cycle here. दोस्तों यहाँ पर जो है कार्बन चक्र के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं. देखिए कार्बन चक्र जो है कई क्लासों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. कहते हैं वायुमंडलीय में जो है कार्बन डाइऑक्साइड सभी प्रकार के कार्बन जीव प्राणी के साथ साथ जीवाश्म में भी जो है ईंधन के रूप में होते हैं का एक स्रोत होता है. यह जल में अत्यंत घुलनशील होते हैं और समुद्र में भी ये बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड व बाइकार्बोनेट घुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जीव भी इसके लिए अनुसरण करते हैं. सबसे पहले तो बात यही आता है कि प्रकाश संश्लेषण में इसका क्या योगदान है. देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की बात किया गया है, तो आपको पता ही होगा कि स्थलीय जलीय पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश व पनराहित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक रूप में परिवर्तन भी होता है और इस प्रकार कार्बन को स्थिरीकरण भी होती है और यह पादप ग्रहण कर ली जाती है और यह आंशिक रूप से उनकी स्वयं की जीवन प्रक्रिया को प्रयुक्त भी की जाती है और शेष भाग जैव भार के रूप में संग्रहित किया जाता है. यह विषम पोषी जीवों के खाद्य के रूप में उपलब्ध रहता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सभी प्लांटों के लिए एक अमृत तुल्य होती है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग जो है वो अपना भोजन बनाती है और ऑक्सीजन छोड़ती है और ऑक्सीजन जो है मानव जाति के लिए अमृत तुल्य है. तो ये दोनों जो कम्बिनेशन होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के रिगार्डिंग ही संभव हो पाती है. आगे हमारा है श्वसन. देखिए श्वसन जो है कई मायने में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी को हम कहते हैं सांस लेना. श्वसन एक औपचारिक क्रिया है जो कि प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होती है. इसमें ऊर्जा मुक्त करने के लिए खाद्य को ऑक्सीकरण होता है, विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न करने के लिए साथ ही जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होते हैं. इस प्रकार इस प्रक्रिया का जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को पुनः उपलब्ध हो जाते हैं, यानी श्वसन क्रिया द्वारा जो होता है दोबारा जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड उपलब्ध हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट बात रखता है। उसके पश्चात है अपघटन। देखिए, जीवों की मृत्यु के पश्चात अपघटक शेष मृत जैव पदार्थ का अपघटन करते हैं, जबकि शेष कार्बन डाइऑक्साइड वापस वातावरण को उपलब्ध कराया जाती है। तो ये अपघटन भी काफ़ी मायने में इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दहन। देखिए, कोई चीज़ को दहन करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न होती है, ये आपको भी पता है। कहते हैं जीवाश्म ईंधन जैसे कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस या भारी तेल जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निष्क्रिय रहते हैं। वन भारी वर्षा में जीवाश्म ईंधन का निर्माण करती है और जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की पटरी पर लाखों वर्षों की अवधि में पादपों एवं जंतुओं के पुण्य आंशिक अपघटन के द्वारा ऊष्मा दाब के उत्पन्न होने के कारण ये संभव हो पाती हैं। इसमें वन भी कार्बन भंडार की भांति कार्य करता है, क्योंकि उनके द्वारा आत्मसात की गति, कार्बन उनकी लंबी जीवन अवधि के कारण बहुत धीमी गति से चक्रीय होते हैं। जंगल की आग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि एक आम गतिविधियां देखी जाती है। कहते हैं मानव गतिविधियों का प्रभाव। अब देखिए, मानव गतिविधियों का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। कहते हैं मानव गतिविधि जैसे कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और मोटर गाड़ियों के बढ़ते प्रयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सतत रूप से बढ़ती ही चली जा रही है। इसकी बढ़ोतरी के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना आज के जीवन के लिए बहुत ही संकट का विषय माना गया है। इसका कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे जो है दिन पर दिन काटते ही चले जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इंसान तो बढ़ रहा है लेकिन पेड़ पौधे घट रहे हैं। तो आपको ही समझ में इस बात को हो गया होगा कि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इंसान जिंदा किस प्रकार रहेगा। जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन जो है जो इंसान है वो कैसे ले पाएंगे। तो इसलिए जो है आज संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण यही माना जाता है। तो ये सोचिए कि आने वाला भविष्य किस प्रकार होगा और किस प्रकार जो है इंसान जो है धरती पे बने रह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो दिखाया गया है आपको, एक कार्बन साइकिल दिखाया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखोगे तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ऊपर दिखे नजर आएगा, उसके बाद आपको आएगा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हरे पादप कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। तो इसमें अपघटन और संवर्षण दोनों ही क्रियाएँ होती है। लेकिन अगर आप देखा जाए खाने में तो ये है प्राणी ऊतक जो है अपघटन और संवर्षण के रूप में जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए जीवाश्मीकरण, तो जीवाश्मीकरण से क्या होता है, जीवाश्मीकरण गैस और पेट्रोलियम कोयला को अगर आप जलाते हो तो इसे दहन करोगे तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। तो ये क्रिया जो है कार्बन चक्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझने के लिए बहुत ही आसान है। तो इस डायग्राम को आप जरूर जो है कॉपी पर नोट करके बनाइएगा। कहते हैं ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है वाटर साइकिल और फास्फोरस साइकिल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे टॉपिक करने से पहले एक बात जो है त्रिपाण सिलेंडर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि आपको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर करोगे तभी उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा जो कि इन वीडियो की उनको सख्त ज़रूरत है। और ये तभी संभव होगा जब आप इसके लिए अग्रसर रहोगे। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना उनके घर पे जाने की ज़रूरत है, ना उनको कुछ बोलने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है, आपको पता है कि आपको YouTube पे जो हैगा एक शेयर का बटन होगा, शेयर पे आपने क्या करना है, उंगली फेरना है और उसको जो है WhatsApp स्टेटस पे लिंक को कॉपी कर देना है। इससे ये होगा जिन बच्चे जो कॉन्टेक्ट में आपके होंगे, चाहे वो रिश्तेदार हों चाहे कोई भी हो, तो उन तक जो है आपके थ्रू ये वीडियो मिलेगा। अगर वो देखेंगे, अगर उनको पसंद आएगी तो ये कॉपी को जो हैगा वो रख लेंगे या उसको जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। इससे ये होगा कि वो जब भी मैं वीडियो डालूंगा उनको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होगी। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि हर जगह जो है आज बड़े बच्चे जो हैं, बड़े घर के बच्चे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास बड़े बड़े ट्यूशन नहीं होता, जिनके पास अच्छे समझ नहीं होती और वो हिंदी मीडियम के होते हैं और वो क्या करते हैं, उनको सपना जो होता है मेडिकल लेने की होती है, लेकिन जब भी वो स्कूल में जाते हैं तो टीचर जो है अपनी इंग्लिश के वर्डों में उनको कन्फ्यूज़ कर देते हैं और वो क्या करते हैं, आगे वो पहले दिन ही गिव अप कर देते हैं कि मुझसे मेडिकल नहीं हो सकता, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है जो मुझे हिंदी में इसको पूरा ट्रांसलेट कर सके। इसलिए आपको पता है कि त्रिपाणि सेंटर जो है इसको हिंदी, इंग्लिश,
ठीक है, में भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, साथ में डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में हो रहा है जो कि आपके लिए डबल डोज के समान है। तो इसमें दोस्तों सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, क्योंकि जग कल्याण के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता। देखिए आप ऐसे ही आए दिन आप लोग जो हो व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना स्टेटस लगाते रहते हो, एक दिन कम से कम आप किसी पढ़ाई लिखाई का स्टेटस लगा के देखो, देखिए इसका प्रभाव सब पे पड़ेगा और सब आपको अच्छे भी कहेंगे, क्योंकि आपने कुछ एजुकेशन वाली बात लगाई है जिससे कि दूसरे बच्चों को हेल्प भी मिल सकता है। और क्या पता जिन भी बच्चों को ये वीडियो प्राप्त हो वो आपको शुक्रिया अदा भी करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस बात की कोई मान्यता नहीं है कि वो बच्चा को प्राप्त हो चाहे ना हो, सिर्फ हमने अपना कर्म करना है। जैसे त्रिपाण सेंटर जो है अपना कर्म कर रहा है, चाहे देखिए मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते हैं जिन बच्चों को अच्छा लगेगा वही सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो लीव कर जाएंगे। ये जर्नल सी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि यूट्यूब पर न जाने कितने लाख वीडियो पड़े हुए हैं इसी एक टॉपिक पर, तो मेरे ही वीडियो क्यों देखेंगे बच्चे। देखिए मेरा वीडियो देखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश और आपके ही लैंग्वेज में ये उपलब्ध है, साधारण भाषा, साधारण लैंग्वेज, समाज, साधारण सोच विचार। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है इसमें विस्तृत ज्ञान होती है लेकिन आपके ही लैंग्वेज में होता है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा के बराबर हो जाता है। तो इसमें आपको सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, आपने इसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। दिस इज आल्सो नोन द हाइड्रोलॉजिक साइकिल, दैट इज आल्सो कॉल्ड टू द हाइड्रोलिक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अर्थ इज अ वाटरी प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, बट इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस इज अवेलेबल टू बी एनिमल एंड प्लांट। द वाटर इज नॉट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट देयर सर्फेस ऑफ द अर्थ। द मेजर परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज अ केमिकली बाउंड टू बी रॉक एंड डज नॉट बी साइकिल। आउट ऑफ रिमाइनिंग नियर बाई द 97.3% इन द ओशियंस एंड 2.1% ऑफ द एग्जिट ऑफ पोलर आइस कैप, देर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दस ओनली 0.6 इज अ प्रेजेंट अस ऑफ फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ इज एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एंड द ग्राउंड सॉइल इज अ वाटर एंड द आइस इज अ कैप एंड द वाटर डीप्स इन द ओशियन फ्रॉम द रिजर्व। द सोलर रेडिएशन एंड द अर्थ ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मेन ड्राइव फोर्स ऑफ वाटर साइकिल। There is the evaporation, condensation and the precipitation are the main process involved in the water cycle, and this process alternative with each other. There is the most important is the three terms, is evaporation, condensation and is the precipitation. That is the cycle, water cycle is the main role alternative in the air. And the water is the ocean, lake, pond and river, steam and the soil surface is evaporated by the sun as a heat energy. And the plant also is a transfer of hugs amount of water through their leaves. And the water remain in the vapor state is air and form of cloud. And with draft with their winds is a cloud meet with their is a cold air is the mountainous as a regional above the forest and the condense to be a air rain and from which is a fall due to gravity. The here show this diagram, there is evaporation from the ocean earth and the leaf surface and the goes way to the formation of cloud and the precipitation here and the surface run of the accumulation of us a groundwater. There is a run, is a run of it is the ocean and steam and the river and goes way to the plant. The plant here is a transpiration and evaporation here. There is a most important water cycle here. The one average is the 84% of the water is lost from the surface of the ocean by evaporation, and well, the 77% is the gain by its form of precipitation, and the remaining 7% of the ocean's evaporation is balanced by the water runoff of through their rivers from to the land. That is the most important here. दोस्तों यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है जल चक्र। देखिए वाटर साइकिल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसे हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, इसे हाइड्रोलिक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल का एक जल युक्त ग्रह है, लेकिन इसका बहुत ही अल्प भाग पादप एवं जंतुओं के उपलब्ध है। कहते हैं पानी पृथ्वी की सतह पर सामान्य रूप से वितरित नहीं है। आपको पता है कि पानी सामान्य रूप से हमारे पृथ्वी पर वितरित नहीं है। पृथ्वी का अधिक प्रतिशत जल जो है रासायनिक रूप से चट्टानों में
जो है आत्मसात है और चक्रीय नहीं होती हैं। शेष भाग में से जो है लगभग 97.3% भाग समुद्र है, वह 21% जो है ध्रुवीय हिम क्षेत्र में अवस्थित है। यानी कहते हैं कि मैक्सिमम पार्ट जो है समुद्र पानी से घिरा हुआ है या आपको ध्रुवीय जो है हिम क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे केवल 0.6% जो है अलवणीय जल, वायुमंडलीय जल वाष्प, भूमिगत जल या मृदा जल के रूप में उपलब्ध है। कहते हैं हिम छत्र यानी आइस कैप एक समुद्र में गहराई में जल जो है भंडार का निर्माण करते हैं। कहते हैं सौर विकिरण एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जल चक्र के मुख्य चालक बल है। और कहते हैं वाष्पीकरण यानी वाष्पीकरण के कारण संघ एवं वर्षा जल चक्र में जो है नीत जो है मुख्य प्रक्रिया है और जो एक दूसरे का स्थान लेती ही रहती है। अगर देखा जाए तो समुद्री झीलें तालाब नदियां आदि का जल सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा के कारण वाष्पीकृत होती रहती है यानी वाष्प जलवाष्प बनता रहता है। पादपों की जो है पत्तियों से भी बहुत मात्रा में जल निकलता है और जल हवा में जो है वाष्पित अवस्था में रहता है। बादलों का निर्माण करता है जो हवा के साथ गमन करते हैं। बादल पर्वतीय क्षेत्र में वनों के ऊपर ठंडी हवा से निकलते हैं और सदन होकर वर्षा करते हैं जो गुरुत्व बल के कारण संपन्न होती है। देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण ही बरसात होती है, ये तो आम बात है। कहते हैं औसतन 84% भाग जल समुद्री जल से वाष्पित होते हैं जबकि 70% भाग जो है इसके वर्षा द्वारा पुण्य प्राप्त होते हैं। यानी 70% जो होता है पुण्य जो है रेन से हमें प्राप्त हो जाता है। जल चक्र से 7% को समुद्री वाष्पन का संतुलन नदियों के प्रवाह के कारण ही होता है क्योंकि स्थलीय वाष्पन जो होती है वो 16% होता है जो वर्षा के 23% होती रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर हम एक फ्लो चार्ट को देखें तो आप देखोगे कि सिंपल फ्लो चार्ट है, ये एक तरह साइकिल भी आप समझ सकते हो कि समुद्री पृथ्वी जो है पतियों की सतह के वाष्पन करता है, फिर बादल का बन जाना अवक्षेपण होती है और सतह पर प्रवाह और जमीन जल के रूप में एकत्र हो जाता है और ये क्या होता है कि धाराओं और नदियों में चला जाता है और पादप में जाता है और समुद्र की ओर प्रवाह भी होता है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर मान्य है। जब यह धराएं और नदियों में जाता है तो पादप द्वारा ग्रहण की जाती है और पादप जो होती है वाष्पोत्सर्जन या वाष्पन के द्वारा जो है ये दोबारा से वो आपस लौटा देती है। तो ये जो है हमारा जल चक्र का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। द वन नेक्स्ट टॉपिक इज फास्फोरस साइकिल। द फास्फोरस साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वी ऑल नो दैट फास्फोरस इज अ नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ देयर इज अ फोटो प्लाज्मा इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयर इज जर्व ऑफ द Phosphorus are the rock or others deposit there that has been to the formed in the past ecological age. There erosion of there this is a deposition release of phosphate in the ecosystem. However, much of it is a scrap into the sea where is a part of it is a lost to be a deep sediment and the sum of the deposit into soil of marine sediments and plant like to the inorganic phosphate or the orthophosphate is ions. The animal consumers that feed on the plant in a turn take up the phosphate from to them and after the death of the plant and animal their decomposer act as them and their phosphate return in the ecosystem in the dissolving form. The extract of their animal and also return some phosphorus to be cycle and the bone and teeth of animal are extended to be weathering and this account for some loss of phosphorus. And see a word play in an important role in the wearing of a bag of phosphorus to be cycle through there is a gono is a deposit of marine fish also returns some of the phosphorus to be cycle. A study of phosphate cycle relieves that a return of phosphate to be cycle in the inequities and to be a compensate their loss. It is a human beings who have a has trained in the rate of the loss of phosphorus. The here show the phosphorus cycle is the upper side of the protoplasma is a plant, animal, bacteria and phosphorating bacteria here and cytoplasma synthesis here. There is goes waste to their bones and teeth and excretion as there. And there are phosphorus rock, grains, deposit, fossil bone, deposition vehicle, any appreciation and the erasions. And then next year, there is a goes with the excretion as bone and the teeth and there is a dissolve of phosphate and the marine birds and fish and the shells is marine the sedimentaries and the lowest or deep sedimentary. There is a phosphorus cycle. There is a most important cycle here.
दोस्तों यहाँ पर जो है फास्फोरस चक्र की बात की जा रही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि फास्फोरस जीवधारियों के जीव द्रव्य एंड प्रोटोप्लाज्मा का एक आवश्यक अंग माना जाता है और एक महत्वपूर्ण घटक भी होती है। कहते हैं चट्टान व अन्य निपजन जिनका निर्माण भूगत भूविज्ञानिक कालों में हुआ होगा, फास्फोरस के भंडार है। इन विक्षेपण के अपरदन के कारण फास्फोरस में इनमें निकाल का पारितंत्र में जाता है। हालांकि इसका अधिकांश भाग समुद्र में चला जाता है, जहाँ इसका कुछ भाग समुद्र की गहराई में जाकर गंभीर अवसादों के रूप में जमा हो जाता है और कुछ भाग जो है उतले कम गहरे समुद्र अवसादों में निक्षेपित हो जाती है। पौधे अकार्बनिक फास्फोरस को जो है अर्थ्रोफास्फोर आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं और प्राणी इन पौधों को खाकर उनसे फास्फोरस प्राप्त करते हैं। इन पौधों और प्राणियों को मर जाने के बाद जो है अब घटक उन क्रियाएँ करते हैं और फास्फोरस विलंबित रूप से पुण्य पारितंत्र में लौट जाता है। कहते हैं जानवरों के विशिष्ट के साथ ही कुछ फास्फोरस जो है फास्फोरस चक्र के रूप में लौट जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर देखा जाए जानवरों की अस्थियाँ और दांतों पर अवलक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस प्रकार भी कुछ फास्फोरस का क्षय हो जाता है। कहते हैं समुद्री पक्षी अपने ग्वानों छोपों के जरिए भी फास्फोरस को पुण्य चक्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी पक्षी का भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है फास्फोरस को पुण्य चक्रण करने के लिए। कहते हैं समुद्री मछली भी कुछ फास्फोरस को वापस चक्र में ले जाती है और फास्फोरस चक्र के अध्ययन से पता चलता है कि फास्फोरस चक्र में वापस तो चला आता है, फिर भी उसे कुल क्षय को जो है प्रतिपूर्ण नहीं हो पाती है। देखिए दोस्तों सारा देखिए पूरा प्रोसेसिंग होता है, लेकिन कहते हैं ना जो क्षति हो जाती है उसको पुण्य पूर्ति करना संभव नहीं होता है। यह मानव ही है जिसमें फास्फोरस के क्षय के दर को तीव्र कर दिया है, यानी मानव ने जो है फास्फोरस के दर को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आने वाला समय में संकट का सबब भी बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो है एक आपको फास्फोरस साइकिल दिख रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि यहाँ जीव द्रव्य से स्टार्ट होता है, जिसमें पादप प्राणी जीवाणु ठीक है फास्फोरस जीवाणु सब प्रेजेंट होते हैं। ये सारे जो है फास्फोरस चट्टानों के गवनी संवर्षण की अस्थियों के ज्वालामुखी से अपरदन घटित हो जाती है और सृजित होती है अस्थि और दांत के रूप में भी सृजित होती है और उसके बाद जो नीचे चली जाती है। ये देखिए उत्सर्जित आपको दिख रहा होगा और अस्थियाँ जो होती है ये उतले समुद्री अवसादों के रूप में चला जाता है और ये समुद्री पक्षी और मछलियाँ जो है इसको दोबारा आपस रिटर्न कर देती है। तो यही जो है फास्फोरस चक्र है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर भी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे का चैप्टर जो है और भी इंपॉर्टेंट है, तो आगे का चैप्टर देखना मत भूलिएगा। और साथ में आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में इंपॉर्टेंट बात एक रहती है जिसको आपको भूलना नहीं है, वो ये है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब में आपको शेयर का जो लिंक आपको दिखेगा उस पर दबा के जो है इस लिंक को जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर 24 घंटे के लिए लगा देना है।